श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सीता राम जी महाराज की जय। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। भक्तोर भगवान की जय। गुप्तेश्वर भगवान की जय। सब साधु संतों की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। विश्वेशं माधवं दंडपाणीं च भैरवं वंदे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सर्व
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शांति भगवान सर्वत्र शांति हो।
अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी सर्व रक्षक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता जगत पतित पावन अनंत सुखों का दाता परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त घट घट वासी निर्गुण निराकार निर्विकार परात्पर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को हम सब मिलकर सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मणों के पंडितों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिला हरदा में भगवान भूत भावन गुप्तेश्वर भगवान सिद्ध विनायक श्री गणेश जी के पवित्र आंगन में दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण के आयोजक सिद्ध विनायक मंदिर समिति एवं समस्त नगरवासियों के सहयोग से आयोजित भागवत सत्संग के तृतीय दिवस की कथा में पधारे हुए आसपास गांव शहर से आप सभी अत्यंत परम सौभाग्यशाली आत्म प्रेमी भगवान जी की मंगलमय कथा सुनने पधारे उपस्थित आप सभी समादरणीय हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करता है। परम मंगलमयी परम आनंददायक भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के परमाचार्य महानतम तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी विरक्त संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और मोक्षाभिलाषी सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमात्मा की महिमा सुनाते हुए समझा रहे हैं। राजन, इस संपूर्ण जगत में प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक भगवान जी के बारे में ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक नाशवान से पिंड छूटने वाला नहीं है। ईश्वर को जान लेंगे तो नश्वर छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। अभी हम नश्वर के बारे में जानते हैं, संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हैं क्योंकि उसका महत्व हमने देखा है। मकान से क्या सुख, गाड़ी से क्या सुख पता है ना, बेटे से क्या सुख, पति से, पत्नी से, मान सम्मान से, लोकल के सुखों के बारे में हम जान चुके हैं, इसलिए पाने की इच्छा होती है। अलौकिक सुख जो ईश्वर से मिलता है हमें पता नहीं चला, इसलिए ये तो इस ओर हमारा ध्यान कम है। वो नश्वर कितना भी पा लेंगे नाश होगा ना, नष्ट होगा। जब तक मन बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी, हम भक्ति धर्म सत्संग कीर्तन इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अपने घर में से अंदाज लगा लो, घर परिवार पड़ोस में कितने लोग भजन भक्ति सुमरण जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ध्यान करना कहाँ है। हाँ, कोई सीजन आया है तो 3 बजे रात से उठ के दुकान खोले। हाँ, बाहर गांव जाना है, कुल्फी बेचने जाना है, वो 4 बजे निकल जाएगा गांव से 20 किलोमीटर दूर। पर ये मनुष्य जिंदगी ईश्वर के लिए मिली है उसको पता ही नहीं चला, सो रहा है वो, कोई परवाह ही नहीं उसको।
बिना ईश्वर के जाने दुखों का अंत होने वाला नहीं। जिनको ये बात समझ में आ गई वो बराबर भक्ति कर रहे, धर्म कर रहे, कथा सुन रहे, सुना रहे। सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का। ऋग्वेद में लिखा है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। क्या लिखा है ऋग्वेद में? उस ईश्वर को जानकर ही मनुष्य मृत्यु आदि सभी दुखों से छुटता है। इसके अतिरिक्त और कोई मुक्ति का मार्ग है ही नहीं, है ही नहीं। मृत्यु का दुख, कल आपने ध्रुव जी महाराज जी की कथा सुनी है, मृत्यु के सिर पर पैर रखा ऐसा लिखा है कथा। क्या मतलब? जो मृत्यु सबके माथे मंडरा रही है, उसी मृत्यु के सिर पे उनने पांव रखा, ध्रुव जी ने ऐसा लिखा। और फिर विमान में बैठे कथा सुनकर के थोड़ा सा कुछ प्रेरणा लेना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। कथा सुनने के बाद मनन होना चाहिए, मेरे काम की कौन सी बात है। अभी तो कितनी कथाएं सुनी हमने, कितनी बातों को हमने पकड़ा है, अपनाया है, जीवन में धारण किया है, और क्या फायदा हुआ है मुझे, उस पर विचार करना चाहिए कि मेरे को पहले से अब बहुत शांति है, मेरा क्रोध कम हो गया, लोभ कम हो गया, मेरे अंदर अब कोई ईर्ष्या अभिमान नहीं बचा, मेरे अंदर अब कोई ऐसे दोष नहीं, अब संसार के अंदर इतना लगाव नहीं है। ये अगर नहीं हो रहा है तो इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, संसार अभी भी अच्छा क्यों लग रहा है। एक अवस्था के बाद मेरा रुझान ईश्वर तरफ होना चाहिए, नश्वर से हटे, दुकान धंधा संसार से हटके ईश्वर में लगना चाहिए, स्वतः लगना चाहिए। वो नहीं लग रहा है तो आपने अभी ठीक से सुना नहीं, या सुनी हुई बात पे आपको विश्वास नहीं है। भाई नोट धन संपत्ति प्लाट के बारे में आपने सुना तो आप एक बार में विश्वास हो जाता है, ये हाईवे पे जमीन हो तो बहुत बढ़िया है, हाईवे पे प्लाट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, चौपाटी पे प्लाट मिल जाए, एक बार में समझ में आ जाए। वो ये भी नहीं कहेगा मैं विचार करूंगा, बोले करो तुम तो फाइनल ये लो। जिंदगी के बारे में कोई परवाह ही नहीं, अनमोल जीवन मिला, वो जिसलिए मिला है वो अभी समझ में नहीं आया भाई। और संत क्या कह रहे हैं, मनो जन्म तो को दियो भजवे को हरि नाम, तो कहे कबीर चेत्यो नहीं लागो हो रही काम। और काम में जीवन लगा दिया। परीक्षित जी को पता चला 7 दिन बचे हैं, पता चल गया 7ों दिन लगा दिए भगवान, बैठ गए गंगा के यहां, बस अब कहीं नहीं जाना, अब कुछ नहीं करना है, हो गया सब, जिनका जो देखेंगे। कभी तो ऐसा आना चाहिए एक अवस्था उम्र के बाद में भी आप भजन भक्ति सत्संग करेंगे। ये भोपाल मंडी द्वीप से आ गए हमारे सम्मानी श्री रघुनाथ जी पाल साहब, गेंदालाल जी पाल साहब, 11 मई से 17 मई वहां कथा है। हमने कहा भाई इतनी दूर क्यों आए, मैं वहीं तो आ रहा हूँ। बोले भैया अभी मई में समय है और हमारे पास भी अभी समय था, तो हमने कहा सुन ले। रुझान होना चाहिए ऐसा, अंदर से लोभ होना चाहिए, लोभ। तुलसीदास जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी
लो भई के प्रिय दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। लोभी को धन अच्छा लगता है, रात को 2 बजे भी अगर कोई लेन देन की बात करे, हाँ लिया भैया वही दिखेगा, हम रात में नहीं करते ये काम। ऐसा लोभ, रात में नींद खुले तो भगवान का नाम जप के सोना है, लालच आना चाहिए। पर धन पर मन हरन को लोभी परम प्रवीण, तुलसी ऐसी चतुरता राम भजन लवली। जितनी चतुराई से हम व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, ग्राहक से कितनी बात बढ़िया करते हैं, हाँ चतुराई से, ऐसा ना हो ये फिसल जाए कहीं और कहीं चला जाए। चाय पिलाएंगे, भोजन का पूछेंगे, जो भी उसकी जरूरत है सब चतुराई से। हम अपना धन कैसे मिलेगा, ऐसा भजन भक्ति में चतुराई से करो, ये तो समय मिलने वाला नहीं है घर गृहस्थी संसार में। और जब आपके भीतर ऐसी चतुराई आ जाएगी, भजन भक्ति का लोभ भीतर पैदा हो जाएगा, तो भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। सभी लोग ताली बजाते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करते हैं। हरि बोल।
सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। जांच करो अपनी अपनी, हम सच्चे हैं कि झूठे हैं। सच्चे किसको कहेंगे? जिसके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण भरोसा विश्वास। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। भजन भक्ति साधना करते करते बच्चे जैसा स्वभाव बनना चाहिए। हम सब के होशियार हैं, चतुर हैं, हम भगवान को भी घपला देते हैं, तो वहां होशियारी थोड़ी चलती है। या तो पूर्ण ज्ञानी हो या पूर्ण अज्ञानी हो, जो आद कचरे हैं, बच्चे जैसे निर्मलता। ध्रुव जी बच्चे तो थे, भजन भक्ति करते चाहे उम्र 80 की हो जाए, लेकिन स्वभाव बच्चे जैसा होना, मन की निर्मलता बच्चे जैसी हो। भजन भक्ति करके बच्चा ही बनना है। जो बच्चा है वही सच्चा है। उसको ना जाति का अभिमान, ना धन का अभिमान, ना कोई ज्ञान का अभिमान है। उसके अंदर कुछ होते ही नहीं, ना गड़बड़। बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते प्यारे। भजन करते 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 ऐसा बालकपन आ जाना चाहिए। हमको अभी भी बुरा लगता है, कोई कह दे थोड़ा आगे खसको, जगह कम है। हाँ रेंदो, चार जिन से बैठ रहे यही, वो देख लूंगा मैं। अरे अभी इतना अभिमान, अभी इतना हठीलापन, अभी इतना जिद्दीपन, तो सरल सहज बनो भाई, सहज बनो, सरल बनो। बच्चे जैसी सरलता आ जाए तो भगवान सरलता से मिल जाते हैं। सरल होना बहुत कठिन है, हाँ, क्योंकि हमने कुछ मान रखा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, हम इसी में उलझ गए। सच्ची भक्ति जिस दिन आ जाएगी, आपके अंदर बच्चा जैसा भोलापन आ जाएगा। पितेरा मेरा, जाति धर्म मजहब छल कपट, ये आएगा ही नहीं, ये सब मिट जाएगा, मिट जाएगा। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के अंग नाम के राजा हुए, बड़े धार्मिक थे। इनके जो बेटा हुआ वो अधार्मिक नास्तिक निकले, ईश्वर को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? संगति अच्छी, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति अगर हमारी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं मातृदोष है, पितृदोष है, अन्न का दोष है, संघ का दोष है, वंश का दोष है। इनमें से एक भी अगर मिस्टेक है तो आप भगवत प्राप्ति में पीछे रहेंगे, विश्वास ही नहीं हो। कितने लोग ऐसे जो नहीं मानते इन बातों, कथा सत्संग कीर्तन व्रत उपवास यज्ञ हवन विरोध करते हो। चलो ना मानो वहां तक ठीक है, पर जो कर रहे उनको तो करने दो। क्या कि ए यू पैसे बर्बाद कर रहे, कथाओं से कोई निहाल हुए अभी तक? क्या होता कथा कराने से, कौन सुधर गया, कौन को वैकुंठ मिल गया? प्रश्न इतने करते हैं भाई। यो वेण भी ऐसे ही निकला, अंग राजा इनको हंसता था, वो कथा में जा रहे, कीर्तन कर रहे, यज्ञ कर रहे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे, भोजन करा रहे, भंडारा करा रहे, पैसा बर्बाद कर रहे। क्या होता है इससे? फिर खाओ पियो मौज उड़ाओ, खाएंगे तो अंग तो लगेगा भाई। हवन यज्ञ करो, घी कुंड में पटको, फोकट बल रहा घी, खाएंगे ताकत आएगी।
सब अपने अपने तर्क बुद्धि से सोचते, बेन विरोध करने लगा, सब पाखंड है, सब इनका धंधा है ये सब। कथाएं जितनी भी लिखी हुई है उस समय आज की स्थिति को ध्यान में रख के सब लिखा है। हाँ, कहीं ना कहीं कथाएं किसी पे फिट होगी होगी। व्यास जी महाराज जी ने कथा ही ऐसी लिखी है कि जो भी सुनने आएगा हजारों में से कोई ना कोई कहेगा आज तो बिल्कुल मेरे ऊपर ही हुई है कथा, या कोई ऐसा भी सोच लेगा ए इसको कोई ने सिखाया है ये सब मेरे ऊपर ही बोल रहा है। कथा ही ऐसी है, कथा भगवान की नहीं हमारी है, अपने लिए लिखी। कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण मिलता ही है, नास्तिकता आ गई कई लोगों में जो विरोध करते इस बात का, क्या होता है इससे, क्या होता है। अंग राजा दुखी हो गए, मेरा बेटा ऐसा है भगवान को नहीं मानता है, खूब समझाया, संत की शरण गए। संत ने कहा देखो धैर्य रखो, अगर बेटा नहीं समझ रहा है तो तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ। जब समझाने से कोई नहीं समझ रहा है ना तो खुद समझने के लिए तैयार हो जाओ कि वो नहीं मान रहा है तो मेरे को मान लेना चाहिए, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना। मूर्ख को न समझाइए ज्ञान गांठ का जाए, कोई लो उजरो न होत है सो मन साबुन खाए। कोयले को कितने ही साबुन से साफ करो, भले पतंजलि का साबुन ले आओ, कोयला क्या कह रहा है, मैं ऊपर ही ऊपर काला नहीं हूं भीतर तक काला हूं। ऐसे कई मूर्खों से पाले पड़ जाओ भाई, कोशिश कर लेना। पर मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंची समा। ब्रह्मा जी भी आ जाए तो शायद नहीं माने। तो अंग राजा संत की शरण गए और जाकर उनको समझाया, संत कह रहे हैं भाई देखो तुमने पूरी कोशिश की ना, हाँ वो नहीं समझा, अब तुम समझ जाओ, अपना समय जा रहा है, अभी तक तुमने राजपाट के सुखों को भोगा, पुत्र के सुखों को भोगा, लेकिन क्या मिला तुमको, अब तुम ईश्वर की प्राप्ति में लग जाओ, ये भगवान मौका दे रहे हैं। जब विपरीत परिस्थिति आ जावे तो जरूर ऐसा ध्यान करना कहीं भगवान अपनी ओर बुलाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ऐसे वैराग्य नहीं होता, मेरे को कथा सुन के पुस्तक पढ़ के वैराग्य नहीं होता, पर घर में कहीं अगर बड़ांग तड़ांग हो जाए ना तो बहुत जल्दी दिमाग घूमता है, क्या करूं, कहीं निकल जाऊं, कुछ कर लूं, सब झूठा है। ऐसे यूं समझाएंगे ना कथा सुना सुना के तो सबको समझ में नहीं आएंगे, पर घर में जो हो जाए खटपट तो कई निकल गए नर्मदा किनारे, यो चला मैं तो, वैराग्य हो जाता है बहुत जल्दी, दिमाग पे बात बैठती। इसलिए भगवान जी तो चाहते हैं तुम या तो ज्ञान के द्वारा शास्त्र पढ़ के तपस्या से मेरी ओर आ जाओ, और नहीं तो फिर मैं कोई जुगाड़ जरूर लगाऊंगा जिससे तुम्हारा मोह कम हो, लगाव कम हो और तुम मेरी ओर आओ, कि तुम नश्वर में फंसे हो, ईश्वर की तुमको चिंता नहीं है। कर्तव्य का बहाना बना करके कई लोग फंसे हुए हो, ये सब घर गृहस्थी, ये तो कर्तव्य है हमारा, हाँ है ना भैया, कौन मना कर रहा है, पर परम कर्तव्य को कब करोगे पूरा, समय जा रहा है ना भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं कितनी बची है, और भक्ति साधना उपासना में आप पीछे हो, जो कुछ पाया है एक दिन खो देंगे, जो खोया है वो नजर नहीं आ रहा है, पाया है वो तो नजर आ रहा है आपको, हमने ये अभी तक कमाया, लेकिन छूटने का है ना,
तो अंग राजा को कहा, तुम पुत्र मोह में दुखी हो रहे हो, अरे वो उसके भाग में जो होगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, उसके भाग्य का होगा वो कमाएगा, और भाग्य में नहीं है तो तुम कितने ही ढेर लगा दो वो ठिकान लगा देगा। जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, नश्वर से मोह कम होना चाहिए, या तो कथा सुन के करो या कोई परिस्थिति आ जावे तो दुखी नहीं होना। राजा परीक्षित को श्राप मिला, दुखी हुए जरूर, लेकिन सुखदेव मुनि ने समाधान कर दिया, बहुत अच्छा हुआ राजन श्राप मिल गए, नहीं तो तुम नहीं छोड़ते राजपाट का मोह, ये भगवत कृपा है, तुम इसका दुख मत मनाओ, अच्छा हुआ तुम ऐसे नहीं छोड़ के आते, ये तुम्हें वैराग्य जागृत नहीं होता, ये तो मौत की खबर सुनते ही तुम्हारे अंदर ऐसे भाव बन गए, अब 7 दिन बचे हैं और अनमोल जीवन मिला है और मृत्यु का दुख कैसे दूर हो, इसी मैंने कोई तैयारी नहीं की, मृत्यु के दुखों से बचने की तैयारी करो भाई बहनों, छोटे छोटे दुखों की हमने सब तैयारी की है, एक बड़ा वाला दुख है वो जो सबको आएगा जी, उसकी तैयारी करो। अंग राजा ने सुना, आए और महल में सो नहीं पाए, उनको नींद नहीं, ऐसा लिखा है, बार बार वो संतों के विचार मन में आया, और मन में जब विचार किया भाई बहनों, उठे रात में ही चल गए, ईश्वर के महत्व को जिस दिन समझ जाएंगे ना, नश्वर वस्तु को छोड़ने में पल की देरी नहीं लगेगी, जिनको वैराग्य होता है ऐसा नहीं कि वर्षों में वैराग्य आए, एक पल में आ जाता है, हाँ जब समझ में आ गई बात, निकले और संतों की संगति की, जब राजा ना मिले ढूंढा तलाश की, लेकिन राजा कह रहे हैं अब मुझे राजपाट हाथी घोड़े हीरा जवाहरात ये नश्वर वस्तु से लगाव नहीं, क्यों, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन 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 में, वो सुख लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, गरीबी में कर गुजरान
मिला दो मेरो यार फकीरी में, मिला दो मेरो यार फकीरी में। रहनी हमारी प्रेम नगर में, रहनी हमारी प्रेम नगर में, रहनी हमारी प्रेम नगर में, रहनी हमारी। भली बन आई सबूरी में, मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में। जय हो, ताली बजाते हैं सभी लोग श्री राम। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये
मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में, मन लागो मेरो में। जिस दिन भजन में, भक्ति में, कीर्तन में सुख शांति आनंद का अनुभव होगा तो संसार के सुखों को छोड़ने में दिक्कत नहीं आती। मन को तलाश है अच्छा सुख मिले, चाहे हमारा मन धन में लगाए, संसार में लगाए, कपड़ों में, भोजन में, पति में, पत्नी में, पद में, प्रतिष्ठा में, जहां भी हमारे मन को स्वाद आ रहा है उससे दूना अगर कहीं दूसरी जगह मिल जाए तो मन लपक के लेगा, छोड़ देगा। हमारे मन को संसार से बढ़िया सुख दिला दे कोई, छोड़ देंगे, दिक्कत थोड़ी। क्वालिटी का चाहिए ना, वो मिल नहीं रहा है, वो जहां हमें मिला है हम अटके हुए हैं। जो सुख पायो राम भजन, आपको सुख मिल रहा है तो आप यहां थोड़ी आफत भी भोग रहे हो, बैठने की जगह कम, गर्मी भी, हवा नहीं, गादी नहीं, बैठे कुछ मिल रहा है उस घर से बढ़िया मिल रहा है ये भी बैठे, ये तो ऐसे बारात में जाए जो बैठे रहे चुपचाप, मत धुमाल मचा दे। जो सुख पायो राम भजन में, कहां लगे अमीर ही, आप कहां है, आप सब छोटे बड़े सभी बैठे समान रूप से बैठे, कहां कोई कह रहा मैं बड़ा हूं, छोड़ दी अमीरी, क्योंकि ये फकीरी है। फकीरी में भीतर से खजाना मिलता है, भीतर से, अमीरी में बाहर का खजाना। फकीर के पास कपड़े अच्छे नहीं, भोजन अच्छा नहीं, सुख सुविधाएं नहीं है उसके पास, लेकिन माल ओरिजिनल है। हाँ, जहां जहां चरण पड़े संतन के ता ता बंठा ढाल, वो बाहर से कंगाल करे पर भीतर करे निहाल। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी साधु संत फकीरों की कुटिया में डेरा डालते थे। अरे हम महल में रहके सुखी नहीं और तुम जंगल में सुखी हो, बात क्या है आखिर, ऐसा है क्या तुम्हारे पास,
भीतर का खजाना है। वो अंग राजा संतों की संगति सेवा में लगे, कुटिया में झाड़ू लगा रहे, बर्तन साफ, राजा हो के, राजा हो के छोड़ दिया उन्होंने सभी राजापना, फकीरों की झूठन साफ कर रहे, लग गया मन उनका। जो दुखी थे क्या होगा राजपाट का, मेरा बेटा ऐसा कपूत है तो सब बर्बाद कर देगा, लेकिन उससे बढ़िया जब मन को चस्का लगा, सहज में छूट गया, क्योंकि आत्म रस का जो अनुभव होता है। और ये 2400 घंटे है, ऐसा नहीं कि यहां कथा में बैठे तब तक ही आपको रस आनंद आ रहा है, उसकी पकड़ आ जाए, टेक्निक आ जाए, तो आप घर में रहो, दुकान में रहो, धंधा करो, व्यापार करो, फैक्ट्रियां चलाओ, करोड़ों का लेन देन रोज करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फंसेंगे ही नहीं। मन लगना चाहिए भगवान जी में, और क्या, भाई तन काम में और मन राम में, ये युक्ति से जियो, तरकीब है जीने की। अंग राजा जब वहां रहे न मिले तो वेण को राजा बना दिया, मंत्रियों ने सलाह दी है राजा बनने लायक नहीं है, क्यों, ये तुम्हारा बेटा ना लायक है, इनमें अकल है नहीं, और ये पद पे बैठ जाएंगे तो क्या निहाल करेंगे, पद पे बिठाने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। वक्ता का और नेता का चयन सोच समझ के करना चाहिए, चाहे जिसको ही वोट मत दे दो, हाँ सोच समझ के दो। राजा के साथ किसका चयन करना, बुद्धि से काम, कई लोभ लालच स्वार्थ में आकर के नालायक को भी हम पद पे बिठा देते हैं, क्यों, अपने काम तो आएगा, अरे देश के काम, देश के हित, प्रजा के हित में जो काम करे, वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो, योग्य का चयन करिए। मंत्रियों ने सलाह दी, लेकिन रानी ने पुत्र मोह के कारण अपने बेटे बेन को राजा, और राजा बनते ही उसने जो सबसे पहले प्रस्ताव पास किया, जितने भी मंदिर है सब मूर्तियां हटा दो, वो मंदिर में मेरी मूर्ति बिठा दो। आदेश राजा का जो धड़ाधड़ काम चालू हुआ, सब मूर्तियां हटा दी और खुद वेण भगवान बन के पूजाने लग गया। पुजारी उन भी तैयार हो गई, जब तनख्वाह डबल हो गई तो फिर भगवान को ही सही हो, क्या फर्क पड़े। लोभ प्रलोभन में आकर व्यक्ति धर्म बदल लेता है, भगवान बदल लेता है, लोभ लालच में आके बदल दिया उसने, पूजा शुरू हो गई। अब आप जब अधर्म बढ़ गया, अनीति बढ़ गई, कथा भागवत सत्संग सब बंद हो गए, सजा मिलती थी अगर कोई कथा करे तो, कोई भंडारा करे, संत सेवा करे, कोई गो सेवा करे, कानूनी ऐसे बन गए, अधर्म बढ़ने लगा तो प्राकृतिक प्रकोप हो गए, वर्षा नहीं होती थी। राजा अगर मनमानी करेंगे तो प्रकृति तो उसका बराबर दंड देगी ना, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो भाई बहनों किसी ना किसी रूप में हमें दुखी होना पड़ेगा। अब ये चाइना में कोरोना वायरस घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है, हाँ अरे जीव मात्र पे दया करना चाहिए थे, तो कितने जीवों की हिंसा करके और उनको मांसाहार किया लोगों ने, क्या कोई अनाज की कमी थी, कितने तरह के अनाज, कितने तरह के फल मनुष्य के लिए भगवान जी ने कितनी व्यवस्था की, अकल नहीं है क्या, अनाज से पेट नहीं भरा था, कितना मांसाहार, अंडा मछली क्या क्या है, अरे जानवर से गए बीते हो गए इंसान, जानवर भी सोच समझ के खाता है, उसके जो खाने की चीज वही खाता नहीं, सूंघ के आगे बढ़ जाता है, इतनी अकल उस जानवरों ने, जो शाकाहारी है वो कभी मांसाहारी नहीं हो सकते, चाहे भूखा रह लेंगे, लेकिन इंसान कुछ भी कर रहा है, और समझाने वाले इंसान को, तो जबकि पशु पक्षियों को कोई समझा रहे कि तुम ये मत खाना मांस, जीव हिंसा मत करना, मनुष्य को समझाया जा रहा है वो क्या खा रहे और क्या पी रहे, मनुष्य लोग शराब पीने लग गए, कितने लोग मांसाहारी हो गए, देखते देखते हो गए,
जिनके खानदान में नियम था होटल का पानी नहीं पीते थे, उनके वंश में खानदान में तो विचार तो आता है कि कैसी परिस्थिति, कैसा समय। अगर ऐसी कथाएं नहीं होती और समझाने वाले नहीं होते तो पता नहीं अपने में से भी कई, ये तो भगवान की दया है कि शांति से बैठे हैं सुन रहे हैं, ना थोड़ी तो कृपा है। बार बार बातें मिलती रहती है, सुनते रहते हैं तो जीवन में हम बचे हुए हैं। वेद ने जब ऐसा नीति अन्याय तो वर्षा नहीं होती, जो बीज बोते थे उगता नहीं था, अन्न की कमी आ गई लोग भूखे मरने लगे, पानी की कमी आ गई प्यासे मरने लगे। साधु संत महात्माओं से विनती की जो गुफाओं में बैठे थे आत्म कल्याण के लिए, उनसे जाकर प्रार्थना की आप तो अपना कल्याण कर लोगे लेकिन समाज का क्या हो रहा, थोड़ा बाहर निकल के तो देखो, आप कृपा करिए। संत बड़े दयालु होते, संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। आए वो राजा को समझाया, देखो तुमको अच्छे पद पे ईश्वर ने बिठाया है, तुम काम भी अच्छा करो, ये उल्टे काम कर रहे हो, तुमने धर्म पूजा कथा सत्संग गो सेवा सब बंद कर दी, उसका नतीजा देख रहे हो, प्राकृतिक प्रकोप है, ये महामारी है, कोरोना वायरस को भी वैज्ञानिकों ने कह दिया ये महामारी, WHO विभाग महामारी की तरह फैल रहा है, कोई इलाज ही नहीं उसका। बेन को कहा तुम ईश्वर का कार्य, कहां ईश्वर, संतों से कह रहे तुमने देखा, बिना देखे उसकी पूजा करते हो, पागल बन के दीवाने की तरह घूम रहे हो और उसके गुण गा रहे हो, कभी देखा भगवान को, अरे राजा ही भगवान होता है, इस राजा की पूजा करो। संत महात्मा कहने लगे लगता है इसकी बुद्धि खराब हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अच्छी बात बुरी लगने लग जावे तो समझ लेना बुरा समय आने वाला है। अच्छी बात अच्छी लगे, बुरी बात बुरी लगे, अपने घर में भी देख लेना, जब आप किसी को अच्छी बात बताओ और उसका बुरा लगे तो फिर सावधान हो जाना। रावण को अच्छी बात विभीषण जी ने बताई थी, काम आनी उसने, अच्छी बात कहने वाले को लात मारी रावण। दुर्योधन को श्री कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेकर समझाने गए, भैया युद्ध मत करो, बंटवारा कर लो, शांति से रह लो भाई, उनका हक बनता है, और फिर तुमको जितना देना उतना दे दो। दुर्योधन क्या कह रहा है, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूं। अरे बेईमान, अच्छी बात समझा रहे, समझ में नहीं आई, युद्ध हुआ सोई भाई मारे गए, सर्वनाश हो गया उनका, समझो। कोई अच्छी बात बताए, अपने घर का हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, आपके यहां काम करने वाला भी अगर सलाह दे रहा है, ए पेट्रोल खुट गया है सेठ जी भरा लो तो भरवा लो, ये तो कहीं भी जंगल में खड़ी हो जाएगी गाड़ी, मान लो ना। कोई कोई ज्यादा होशियार बन जाते हैं तो फिर मानते नहीं किसी, क्या सब सब मेरे को सब मालूम, हाँ कोई कहे तो और उसको चुप कर दे, खुद में अकल है नहीं और दूसरे की मानते नहीं तो भी इनका भला हो। ऋषियों ने विचार किया, जब ये समझाने से नहीं समझ रहा है मतलब ईश्वर की कोई दूसरी इच्छा है क्या, ऐसे राजा को ज्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ, ईश्वर ने प्रेरणा दी और अपने तप की ताकत से वेण को समाप्त कर दिया, मार डाला उसको। जब ज्यादा अनीति अन्याय कोई करे तो मारना ही पुण्य है, धर्म है। कोई आतंकवादी आ जावे, कोई बेईमान दुष्ट आ जावे, हमला बोले और हम गीता जी लेके बैठ जाए, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लेकर तुम आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो कल दूसरे का था आज तुम्हारा है, तो वहां ये ज्ञान नहीं, उसको ठिकाने लगाओ।
श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई, लेकिन जब समय आया तो अर्जुन को कहा मारो इनको, मारो। तो ज्यादा भोले बन के भी मत रहो, समय के साथ चलना पड़ता। लोग ऐसी बात करते हैं समय के साथ, हाँ समय समय की बात है, तो समझ समझ की भी बात है। समय के साथ चलो पर समझ करके चलो, इसलिए होशियार रहो, जागरूक रहो, सतर्क रहो। श्री कृष्ण जी ने शास्त्र की भी बात कही है और शस्त्र की भी बात कही है, दोनों को लेके चलो। हमारे जितने देवी देवता है सबके हाथों में शस्त्र है, और वो कह रहे हमारी पूजा करो तो थोड़ी ये अकल भी ले लेना, तुम भी अपने घर में थोड़ा सामान धरो। हाँ हनुमान जी के पास गदा है, शिव जी के पास त्रिशूल है, माँ जगदम्बा के पास तलवार। शस्त्र होना चाहिए, शास्त्र और शस्त्र जरूर रखो। माताओं को भी खूब लड़ी मर्दानी वो तो हरदा वाली रानी थी, हाँ झांसी वाली के गीत गाते रहो, कोई दूसरे भी तो तैयार हो, कहाँ कोई दुष्ट का सामना करना पड़ जावे कुछ कह नहीं सकते। इसलिए बहनों को जागरूक रहना, सतर्क रहना, ज्यादा भोले बन के ना रो, कोई भी बहला फुसला करके कितनी बहनों को परेशान कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। इसलिए अपने घर में बेटा बेटियों को बराबर सावधान रखो और उन्हें समझाओ। जब जहां जैसी आवश्यकता लगे हमें इसे सतर्क रहना। संतों ने वेण को समाप्त किया, बाद में जंगा का मंथन, उसका काला पुरुष पाप निकला, उसे वहां से भेजा जंगल में, निषाद जाति के नाम से कहलाया। भुजा का मंथन, प्रथु अर्ची जोड़ा प्रकट हुआ। देवताओं ने उनसे विनती की, इतना अधर्म अन्याय, अन्न का दाना नहीं है, ऐसा पाप किया है वेण राजा ने, अब आप कोई उपाय करो। तो प्रथु महाराज ने फिर यज्ञ किए, 1, 2, 10, 50, 99 यज्ञ, 100वां यज्ञ होने को था, क्या हुआ? देवराज इंद्र ने विघ्न कर दिया उसमें। क्यों? 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा इंद्रपद छिन जाएगा, ये सफल नहीं होने दे। अच्छा काम करते हुए भी कभी कभी अच्छे लोग भी विघ्न करते हैं अच्छे काम में। ये इतना बड़ा काम हो रहा है, कैसा लग रहा है सबको? ये अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है तो इसमें साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अब सहयोग में जरूर नहीं, धन से ही सहयोग होता है। आपने अगर समय दान भी दे दिया है कि भी 3 घंटा कथा सुनना, ये भी आपका एक सहयोग है। धन है तो धन भी लगाओ, धन की भी जरूरत है, समय है तो समय लगाओ। अच्छे काम के अवसर ढूंढो। हम हमारे घर में कब कराएंगे, हो रहा है इसी में शामिल हो जाओ। देवराज इंद्र ने साथ नहीं दिया, विघ्न किया, तो प्रथु महाराज के पुत्र ने पकड़ कर लाए, विजिताश्व कहलाए, और फिर प्रथु महाराज ने फटकार लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अच्छे काम में साथ दो, मदद करो, वो तो नहीं और तुम इसमें विघ्न कर रहे। अच्छे काम में बुरे लोग विघ्न डाले वो तो समझ में आता है, ही बुरे वो तो। कभी कभी समझदार लोग भी, क्या होता है, क्या होता है इससे, ये सब। देवराज इंद्र ने माफी मांगी, प्रथु महाराज ने संधि करके, ब्रह्मा जी आए और उन्होंने समझौता कराया। फिर भगवान श्री हरि नारायण आए, क्या चाहते हो तुम, यज्ञ किस लिए कर रहे हो? बोले प्रभु मुझे मेरी कोई कामना नहीं है, मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, जनता भूखी है, दुखी है, प्यासे मर रहे लोग, मैं सबके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा था। तो भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, देखो भाई तुम अगर सारी पृथ्वी को सुखी करना चाहते हो तो गौ माता की सेवा करो। धरती माँ गाय का रूप धारण करके आए और गाय को तुमने प्रसन्न कर लिया,
तो तुम्हें जो चाहिए वो गाय कामधेनु बनकर तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा देगी। पृथु महाराज ने गोसेवा शुरू कर दी, जो जो चाहते थे सब कुछ मिला गाय से। धरती पे जब संकट आता है तो धरती मां गाय का रूप धारण करती है और भगवान से प्रार्थना करती, भगवान गौ की प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं। आज के समय में गौ के ऊपर ही संकट आ गया है, कितने बूचड़ खाने, दर दर भटक रही गाय। इसलिए हमको भगवान ने प्रेरणा, तो खाते गांव में परम धाम गौशाला का निर्माण कार्य चालू चल रहा है। आप सब जो पैसा देते हैं दान पात्र में या भागवत जी भी चढ़ाते हैं, तो घर का काम चलता बचेगा उसको गौशाला में लगाना। इसलिए हमने गौशाला में कथा रखी है 17 अप्रैल से 23 अप्रैल वैशाख नवमी अमावस्या को समापन हो जाएगा। तो आप सब माता बहने भाई लोग खाते गांव गौशाला कथा में जरूर पधारे चाहे। आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आवे ताकि आंखों से आप देख लें, आपका जो रुपया पैसा लगा है आपकी आंखों के सामने आप देखेंगे, आपको खुशी होगी। अच्छा लगे तो आप वार्षिक सदस्य बन जाए, मासिक सदस्य बन जाए, कोई माता बहने अपना मंडल बना ले कि भाई 500 रुपया साल में देंगे, महीने में देंगे। आपकी मदद से हमको भी हिम्मत आएगी, हमारी तो कोई फैक्ट्रियां ही नहीं, किसी भगवान के गुणानुवाद गाते हैं, जनता पैसा देती है, इकट्ठा करके गो सेवा में लगाते हैं। 5-6 हजार रुपये रोज का खर्चा, 1 दिन का तो 1.5 लाख रुपये महीने का खर्चा है, कहां से आता पैसा? आप सबसे कथा के माध्यम से इकट्ठा होता है, लगाते हैं। मजदूर है, दो काम वाले हैं, भूसा अभी खरीदना है। आज ही हमने बात की कि भाई गेहूं कटाई चालू हुई, भूसा इकट्ठा करो, निकलवाओ, जो भी पैसा होगा हम देंगे। तो गो सेवा के लिए आप सब माता बहने खाते गांव में अग्रवंशी अग्रवाल महिला मंडल, उन्होंने भरपूर सहयोग किया, अभी भी उनका सहयोग है। गर्मी के दिनों में पानी की थोड़ी सी दिक्कत थी, 2 ट्यूबवेल कराए पानी नहीं निकला, 400 फीट 425 फीट पानी, 1 होल कराने 1,03,000 रुपये का खर्चा आया, पानी नहीं निकला। तो माता बहनों ने पैसा इकट्ठा करके दूसरे खेत से पाइपलाइन बिछाई, लगभग 25-30 हजार रुपये का खर्चा, तो महिला मंडल ने इकट्ठा करके वो पाइपलाइन डाली, तो गो माता को पानी मिला। ऐसा आप सब भी चाहें, प्रभु प्रेरणा दें। तो अभी 4 दिन शेष बचे, आज 3 दिन हो गए और कल रंगपंचमी है, तो कथा कल भी हो, और आप सब चाहेंगे तो अच्छा उत्सव मनाएंगे रंगपंचमी का, तो फूलों की होली खेलेंगे। रंग गुलाल तो बहुत खेल लिए, रंग नहीं फूल, अपने घरों से या एक एक थैली में थोड़े थोड़े फूल पंखड़ी करके ले आएंगे, यहाँ भजन कीर्तन भी होंगे और फूल की होली हो जाएगी। रंग पंचमी में भक्ति का भी रंग लग जावे, क्योंकि नीम मिली चंदन भई मलिया गिरी के संग, और जो जन साधु संग करे तो चढ़े भक्ति को रंग। तो कल रंग पंचमी का भी महोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल कृष्ण जन्मोत्सव भी है, हाँ, तो भगवान बाल कृष्ण का आगमन, उन्होंने भी गो सेवा की, गोपाल बनकर के आए, तो वो चर्चा भी अपन कल रंग पंचमी के उसमें, ऐसा भक्ति का रंग हमारे जीवन में लगे। तो गो सेवा की बड़ी महिमा भाई, ये हमारा अनुभव, परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम कोई सेवा कर पाए, लेकिन घर में गो सेवा होती थी, पिताजी को बड़ा लगाव था गो माता से, तो देखा देखी हमने, 1 गाय घर 2 हो गई, बेचते नहीं थे, जब दूध ना दे बूढ़ी हो गई फिर भी घर ही रखते थे, 5 गाय हो गई, 10 हो गई, 15 गैया हो गई, 20 हो गई। आसपास सब लोग हंसते थे, इनके पास जमीन है नहीं, इतनी गायों को करते क्या है। भगवान ने कृपा करी, एक को प्रेरणा मिली, 2 एकड़ जमीन उसने दान में दे दी। ये सच्ची बात बता रहे, हमने उसको मना किया, भैया हम क्या करेंगे, हमारे समझ में आए, अरे भैया भगवान करवा रहे, ये तो वो हमारे पीछे पड़ गया 3 साल, उसको हमने घुमाया, हम नहीं लेंगे नहीं लेंगे, इतना वजन बाहर लेके कहां जाएंगे, हमारी तपस्या नहीं, दान लेना सही थोड़ी है, जो दान देता है बदले में उसको कुछ देना पड़ता है, इसे फोकट में थोड़ी, भाई आप सब्जी वाले को दोगे तो लेगे कि नहीं, तो दे रहे तो कुछ तो लेंगे, पुण्य लेंगे, तपस्या लेंगे, तो हमने कहा हम नहीं लेंगे, पर वो माना नहीं,
फिर हमने विचार किया शायद ये गैया मैया यहाँ परेशान है तो हम वहाँ गायों को रखेंगे, और भी जो गायें बूढ़ी है बीमार है अशक्त है जिनकी सेवा नहीं हो पा रही है, लोग अच्छी गायों को नहीं रख रहे हैं तो बूढ़ी को कब रखेंगे, हम बूढ़ी गायों को रखेंगे। ऐसा परिवार में चर्चा हुई और वो सेवा चालू हो गई। तीसरा साल शुरू हुआ है, 17 मार्च 2018 को हमने भूमि पूजन किया था। 3 साल में कितना काम हुआ आप आंखों से आकर के देखे, और यहाँ चित्रपट लगे हैं गौशाला के आप देख सकते। इतनी बातें इसलिए कह रहे हैं कि वेन के राज्य में जब अन्न का दाना नहीं रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो रहा है, ये कोरोना वायरस घूम रहा है, भाई बहनों थोड़ा विचार करो, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। गौ माता की सेवा बड़ी, गावह सर्व सुख प्रदाह, ऐसा लिखा है, गाय सारे सुखों को प्रदान करने वाली, गावह विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है। हम दूध के लालच में तो सेवा करते हैं, ये तो हर कोई कहता है हमारे यहाँ गौ सेवा होती है, पर बिना दूध वाली गाय की सेवा हो, बूढ़ी गाय की सेवा हो, लंगड़ी गाय की सेवा हो, तब समझ में आए सेवा उसको कहते हैं। दूध के लालच में तो कोई भी करता है, ये तो इतनी गायें थोड़ी कोई घूमती बाजारों में, हमने महत्व नहीं समझा, हमने दूध पे आके छोड़ दिया उसे, दूध ना दे तो गाय छोड़ दो, गलियों में कचरा खा रही है। इसलिए हमने गौशाला की शुरुआत की। जब प्रथु के राज्य में गौ सेवा हुई तो सब समय पे वर्षा होती, अच्छी फसल पैदा होती, सब घर आंगन में खुशहाली आ गई। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। हरी बोल, ताली बजाते हैं सभी लोग।
दोनों हाथ ऊपर करके श्री राम चढ़ जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा जय हो ऐसा गौ की महिमा ये सेवा करके ही पता चलता है भाई बहनों। सुनने से बात बनने वाली नहीं है। कितनी कथा सुन लो गौ कथा भगवान की कथा फायदा कब हो करने से। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है वैसी सेवा करो। घर में रख के गाय की सेवा कर सको तो करो। घर में नहीं रख पाते हैं चाहते हैं तब भी नहीं कर पा रहे जगह नहीं समय नहीं है परिस्थिति नहीं तो धन से सेवा हो जाती है। आपके यहाँ भी गौशाला है आप माँ मदद करो। ऐसा नहीं कि हम गौशाला खोले तो हमें ही मदद करो। कहीं भी गाय से जुड़ो अपने घर से प्रतिदिन नियम है पहली रोटी गाय को दे रहे सब कर दिया बंद नियम बना गाय से जुड़ो ज्यादा नहीं तो रोटी तो दो। गाय से टच हो गाय से स्पर्श हो गाय के दर्शन करो। 24 घंटे में गो दर्शन करना अनिवार्य है। अगर गाय ना दिखे सवेरे से तलाश करो कहाँ है गाय। नियम लो गो के दर्शन करके भोजन करना गो को स्पर्श करके भोजन करना। कोई कामना पूरी कराना चाहते हो सारे उपाय कर लिए वो नहीं हो रहा है गाय से संपर्क करिए। गावा सर्व सुख प्रदाह कहीं मत जाओ किसी से मत पूछो। वास्तु दोष है ग्रह दोष है कर्म दोष है पितृ दोष है दुनिया के दोष है गाय के रही मेरे से जुड़ो। क्यों सारे देवी देवता मेरे भीतर ही मैं सब ठीक कर दूंगा। कोई कोई अस्पताल में सारी व्यवस्था रहती वहां जांच हो जाए डॉक्टर सब तरह के आ जाए तुम भर्ती हो जाओ सब आ जाएंगे कहीं नहीं जाना कहां कहां जाओ इधर उधर। ऐसे गो माता के रही कहां कहां जाओगे 33 कोटी कहां ढूंढोगे तुम मेरे पास आ जाओ तुम्हारी जो कामना है मैं पूरी कर दूंगा। ऐसा समझ करके गो की सेवा करो। गो सेवा से मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पकड़ने में सहूलियत मिलती है।
गो सेवा से ही तुम्हारी सारी सेवा पूजा पाठ तीर्थ वर्ष सफल होते हैं। अगर गो सेवा नहीं की और दुनिया के काम कर दिए तुमने, शायद सफलता नहीं मिली। इसलिए गो सेवा में यथा योग्य सहयोग, अगर देने से फर्क ना पड़े तो सहयोग करना चाहिए, करना चाहिए। कोई गरीब है उससे कोई ऐसा उम्मीद नहीं रखी जाती है, लेकिन जो सक्षम है और फर्क ना पड़े, भगवान दे रहा है आमदनी है तो गो के निमित्त करना चाहिए, जिसको जैसा प्रभु प्रेरणा दे। तो अभी चार दिन शेष है, आप जैसा चाहें कोई संगठन बनाकर थोड़ा थोड़ा करके भी एक राशि सहयोग कर सकते हैं, दान पात्र में डाल सकते हैं, रसीद भी बना सकते हैं, वहाँ काउंटर लगा हुआ है, हमारे भाई बैठे हुए हैं, आपको रसीद बना के दे देंगे। और आप गौशाला में आकर अपनी आंखों से भी गायों की देखो व्यवस्था कैसी क्या है। गाय से जुड़िए भाई बहनों, गो की महिमा अपरंपार है। भगवान गोपाल बन करके आए थे, भगवान कहते तुम मेरे मंदिर चाहे ना बनाओ, लेकिन चलता फिरता गाय एक मंदिर से कम नहीं है, कम नहीं है। तो तुम्हारी भावना है तो बनाओ, लेकिन मैं खुश नहीं होगा अगर गो सेवा नहीं है तो। गावो ममाग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में सर्वतः संतु, गवाम मध्य वसाम में हम। भगवान गायों के बीच रहना पसंद करते हैं, जहां गाय है वहां गोपाल है। उन्होंने फोटो भी निकाली तो गाय के साथ ही फोटो, अपन तो और कोई के साथ खिंचा रहे हैं, हाँ, और भगवान गाय के साथ रहते हैं। कुछ तो है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए, गौ माता के लिए भगवान मनुष्य बनकर के आ गए। भगवान जिनको चाहते हैं, आप हम सब का भी कर्तव्य है हम उनको चाहें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, भगवान खुश इससे होते ना। तो प्रभु के राज्य में जो सर्वत्र गो सेवा का आदेश हुआ, हर घर में गैया मैया रहने लगी, तो समय पे वर्षा होती, अच्छा अनाज पैदा होता, सब सुख। भगवान ने कहा भाई तुम अपने लिए तो कुछ मांगो, तो प्रभु महाराज ने 10,000 कान मांगे। क्या कार नहीं, कौन कह रहा कार, अरे कान। उस समय कार कहां चलती थी, भगवान ने कहा कान, इतने सारे कान, मैंने दो कान दिए, इससे बात नहीं बनती। प्रभु आपके गुणानुवाद सुनते सुनते मन तृप्त नहीं होता, और सुनो, ऐसी मेरी इच्छा है कि ज्यादा कान होंगे तो ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा आनंद आएगा, ताकि संसार की मोह माया और इससे हम फंसेंगे नहीं, आपके गुणानुवाद सुनते रहेंगे तो आप में मन लगेगा। सुनने का कितना महत्व है, दुनिया की बातें सुनते क्या मिला अभी तक, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में सुनाओ, ये सभी का कर्तव्य है। ये कोई पंडितों के माथे नहीं है कि ऐसा मंच बनाओ और उनको बुलाओ, उनसे ही सुनो। आप भी अपने अपने घर में सुनाया करो, भगवान की कथा सबको सुनाना चाहिए, सुनना भी चाहिए। शिव जी पार्वती को सुनाते कि नहीं, दो ही जना बैठ के कथा, एक सुने और एक सुनाए। और मैंने ऐसा देखा है गांव में, शहरों में भी कहीं होता होगा, गांव में मैं भी बचपन से रामायण बहुत पढ़ता था, मेरी माँ बैठती, पिताजी बैठते सुनते थे, कभी पिताजी पढ़ते हम सुनते थे, परिवार में बैठ के ऐसा होता था। लाइट नहीं थी, वो घासलेट सीसी में ढक्कन में छेद करके कपड़ा एक चिंदी, वो घासलेट भर दिया, जो भपका चले उसने खूब रामायण पढ़ते थे। रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ है भाई, हर घर में 12 महीना पढ़ना चाहिए रामायण, 12 महीना पढ़ते कोई कोई क्या, इनके हम रामायण का पारायण होता, हाथ उठाना, 1, 2, 3, 5, 9, 2, 11, बहुत अच्छा। 12 महीना रामायण पढ़ो, गीता जी पढ़ो, ये शास्त्र बनाना नहीं, बने बनाए हैं, बने हुए हैं, खाली आपको पढ़ना है और एक बार ही लाना है। ये भी नहीं कि हर साल कोई बदले, एक बार ले आओ और रोज पढ़ो।
कई जो लड़ भिड़ के अलग हो गए, वहाँ टीवी है, फ्रिज है, मिक्सर है, रामायण नहीं है, गीता जी नहीं है, ये पहले लाओ। और अब लाओ जो बड़े अक्षर वाली लाना, अच्छा जो थोड़े दिन बाद दिखना कम हो ही जाएगा, बड़े अक्षर वाली लाओ, गीता जी रामायण भागवत रोज पढ़ो आप। स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय में, प्रवचन में, सुनने में, सुनाने में कभी आलस्य मत करो, मत करो, घर में ये होना चाहिए। संतों की वाणी का जब पाठ होता है तो घर में अमंगल नहीं होगा, जादू टोने का असर नहीं होगा, बाहर बाधा नहीं घुसे, कोई का जंत्र तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा, ये ऐसा सिद्ध ग्रंथ है। और क्या साधन, मैंने आपसे निवेदन किया, शास्त्र और शस्त्र ये दोनों होना चाहिए। विजयादशमी पे दशहरा पर शस्त्र पूजा होती है, अब शस्त्र हो तो पूजा करे, नहीं तो बेलन रे सब घर में। हाँ, अब बेलन से चोर डाकू भग जाते होंगे, तो थोड़ा बड़ा सामान भी रखो घर में, लाठियां होना चाहिए, दो चार दस बीस लाठी, शस्त्र रखो, भाला रखो, तलवार रखो, फिर उनकी पूजा करो। रखो, जमाना बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, ज्यादा भोले बन के मत रहो, रखो, ये बात है, इशारा है। कब कौन ऐसा दुष्ट आतंकी कहां से घुस जाए, क्या कर ले, क्या करोगे? शास्त्र घर में रखो, पढ़ो, सुनो और सुनाओ। शिव जी माँ पार्वती को कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं अनुभव वही
नित्य प्रति भाई बहनों स्वाध्याय अपने घरों में जरूर करो, कोई बहानाबाजी ना करो। 24 घंटे में क्या इतना समय नहीं मिलता है आपको? अखबार पढ़ने का समय, मोबाइल में समय देते हो, टीवी में समय देते हो, संसार की बातों में समय देते हो, भगवान के लिए समय नहीं? पढ़ाई लिखाई किस काम की? अरे वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथों को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो और फालतू की बातों में आप अपना दिमाग समय लगा रहे हैं, कुछ तो संकल्प लो। ऐसा रोज नया संकल्प लेना चाहिए, मुझे ये करना है। प्रतिदिन लगातार जब हम स्वाध्याय करते तो हमारा ज्ञान का लेवल बढ़ता है। हाँ, ये तो हमारा ज्ञान सीमित है, बस आगे बढ़ना चाहिए, भगवान का ज्ञान बढ़ना चाहिए। और में तो सब आगे हो गए हैं, और तो बहुत ज्ञान है। हाँ, अंगूठा टेक भी बहुत आगे हिट गया है। हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति साधना में पढ़े लिखे भी पीछे। हाँ, अगर हम शास्त्र के ज्ञान को हासिल नहीं कर सके हैं तो आपकी पढ़ाई, आपकी ये उपलब्धि एक दिन बेकार हो जाएगी, एक दिन बेकार हो जाएगी। अभी तो अच्छा लग रहा है, कहा ना राम नाम की लूट है। अरे लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। अभी पछतावा नहीं आ रहा है, अभी तो खाओ पियो और मौज उड़ाओ, लेकिन पछताना पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने आदेश दिया है, आछे दिन पाछे गए और कियो न हरी से है, अब पछताए क्या होत है। चिड़िया चुग गई थे, ये जीवन रूपी खेत रात और दिन काली सफेद चिड़िया चुग रही है। हर दिन कम होता जा रहा है, थोड़ी सी चिंता रखो भाई, चिंता रखो। दिन कम हो रहे ना, 3 दिन गए गए, देखते देखते गए, 4 दिन की चांदनी है। कथा के तो 4 बचे और अपने कितने साल बचे अभी है कोई के पास कागज कोई लिखा पड़ी? इसलिए भजन भक्ति कीर्तन खूब करो, खूब करो, खूब करो। कोई कहे ये खूब कमा रहा है तो अच्छा, हाँ रात दिन एक लगे सब पूरा परिवार ही लगा है, वाह अच्छी बात है, कमाओ, कमाना भी चाहिए पर धर्म भी तो कमाओ। धन एक कमाए और पूरे परिवार को पाल सकता है, लेकिन धर्म सबको कमाना चाहिए, क्योंकि धर्म की जरूरत आपको ही पड़ी। अच्छा धन उधार ले सकते हैं, वो धर्म मिलेगा ही, घंटा घर आसपास है कहीं ये दुकान? ये तो तपस्या से, भजन से, कथा से, सेवा से, परोपकार से धर्म मिलता है, और वो धर्म तुमको बचाता है। धर्मो रक्षति रक्षित, इसलिए परिवार में सबको धर्म का आचरण करना, धर्म का पालन करना, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, माँ का धर्म, सास का धर्म, बहू का धर्म, बेटे का धर्म, भाई का धर्म, गरीब का धर्म, अमीर का धर्म, नेता का धर्म, जनता का धर्म, अधिकारी का धर्म, मालिक का धर्म, नौकर का, सब अपना अपना धर्म। धर्म मतलब आपकी जिम्मेदारी,
हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, ये अलग विषय है। अपने स्वधर्मे निधनम श्रेय, गीता में भगवान जी कह रहे हैं। स्वधर्म, आप स्वयं का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये सभी आत्माओं का, पृथु के राज्य में गो सेवा हो रही है। गो सेवा से गोविंद की सेवा सफल होती है। ऋषि गोशाला रखते थे, गाय की सेवा करते थे, मंदिर नहीं बनाया उन्होंने, गाय को ही मंदिर की तरह मानते थे। तो भगवत प्राप्ति हो जाती, जल्दी सिद्धि हो जाती थी। यही गाय जो गलियों में घूम रही है ना, ये कामधेनु बन जाती है आपकी श्रद्धा और विश्वास, आशीर्वाद देती है। तो पृथु के राज में खुशहाली हो गई, उनके पुत्र प्रचेताओं को भगवान रुद्र ने उपदेश दिया। फिर पृथु महाराज को संकादिक ऋषियों ने परलोक मार्ग की भी उन्हें चर्चा सुनाई। फिर पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, लेकिन मिल गया ना, इसलिए दुर्लभता खत्म हो गई। जो चीज हमारे पास नहीं है ना, उसको पाने की जो एक ललक होती है, वो मिल जाए तो फिर उसका उतना प्रभाव नहीं रहता, उतना लगाव नहीं रहता है हमारे पास। ये शरीर मिल गया है, इसलिए इसका जो महत्व है पता नहीं चलता हमको, पता नहीं चलता। वो जिनको पता चल गया है ये शरीर किस लिए मिला है, वो बर्बाद नहीं करते उसको, पाप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, एक एक कण का सदुपयोग करते हैं, अपनी वाणी का भी संयम रखते हैं, वो नजर का भी संयम रखते हैं, मन को भी संयम में रखते हैं, चाहे जो विचार नहीं आने देंगे। और शरीरों में जो काम किए, जो सुख भोगे, ये शरीर से वो सुखों को नहीं भोगना, ये शरीर सुख भोगने के लिए नहीं मिला। ये शरीर में अगर हमने संसार के सुखों को भोगा, विषय वासनाओं के सुखों को भोगा, तो भाई बहनों पशु में और मनुष्य में क्या फर्क पड़ा? खान पान सुख भोग में पशु भी चतुर सुजान, मनुष्य की क्या मनुष्यताई जो न भजे भगवान। भगवान अच्छा लगना चाहिए, हाँ ईश्वर अच्छा लगे, परमात्मा अच्छा लगे। पुरंजन उपाख्यान की कथा, ये ईश्वर का मित्र अविज्ञात नामक, साथ में रहते थे जीवात्मा और परमात्मा अलग। कब तक? जब तक हम उसको ठीक ठीक नहीं समझ पाते। बाद में तो फिर भक्त और भगवान की वे दो ही एक हो गए। अलग अलग कब तक है? जब तक हम माया में, जब तक हम संसार की वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं, तब तक हम ईश्वर से अलग। नहीं तो वो देह में ही आत्मदेव रहता है। हम देह तो देखते हैं पर आत्मदेव को नहीं देखते। जो देह में देव को देखता है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के दर्शन करते हैं, भावना करते हैं मूर्ति में भगवान है, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो भी दिखाई दे सब में भगवान है। फिर स्त्री और पुरुष नहीं दिखना चाहिए, भगवान के ही है ये सब। इसे नोट कागज का ही होता है, कागज की टुकड़ा है, पर हम कागज समझते हैं उसको? नहीं भाई, अखबार है, रद्दी, वो भी कागज है, नोट भी तो कागज ही है, पर नोट को हम कागज नहीं समझते हैं। उसका महत्व अलग है, कागज का, पर कागज मानते क्या? नहीं, बुद्धि में क्या है? ये धन है, ये रुपया है, दिखने में कागज है, आंख से तो कागज दिख रहा है, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है? ए नोट है ये,
धन नहीं, ऐसा आंख से तो दिखता है स्त्री है पुरुष है, पर बुद्धि में ही आना चाहिए ये सब सिया राम मैं सब जग जा रहे। बुद्धि से देखो, आंख से तो सब स्त्री पुरुष दिखेंगे, तेरा मेरा सब हो गए, लेकिन बुद्धि में आना चाहिए। जैसे बुद्धि नोट को कागज नहीं समझती, नोट ही समझती और फिर संभाल के रखते हैं हम, हाँ ये 5 का है, ये 50 का है, ये 500 का है, ये 2000 का है, मतलब खट खट समझ में आए, उसमें हम कागज नहीं समझेंगे कि 2000 का हो या 50 का हो एक ही बात है तो कागज ही नहीं, नहीं बुद्धि में आया है। ऐसा भाई बहनों सबके भीतर वो आत्मदेव बैठा हुआ भावना ऐसी, भजन भक्ति करते करते हमारे भीतर वो दिव्य प्रेरणाएं ईश्वर देने लग जाता है। लेकिन पुरंजन उपाख्यान की कथाएं बताती है वो स्त्री में आसक्त होकर के स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया, स्त्री का शरीर मिल गया, बाद में फिर वो सती होने के लिए जाने लगा, उसके अविज्ञात मित्र आए और उन्होंने समझाया तुझे पता है कौन हो, नहीं जान भूल गया, अरे मैं तेरा मित्र हूं, तेरे को कहा था कि तू संसार में जाए कहीं फंसना मत, लेकिन तू भूल गया मेरे को इसलिए संसार में फंसा, भूल जाता जीव संसार में ये मेरा करने में भगवान छूट गया। कई ऐसी कथा हो कोई संत महात्मा आए और हमें कोई बात बता दे और दिल दिमाग में बैठ जाए तो समझ में आ जाएगा कि जीव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा पर ब्रह्म, तू ब्रह्म का ही वंश है। हम सब भगवान जी के, हम संसार के नहीं है, आए हैं जरूर पर यहां रहने वाले नहीं है ना, ये दिमाग में रहना चाहिए, यहां से जाना है कहां जाना है, जहां से आए भगवान घर से आए भगवान घर जाएंगे, संसार अपना नहीं, आए रहेंगे कुछ समय जाएंगे, हम भगवान के हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, हम अनादि काल से भगवान के ही हैं, भगवान की रहेंगे, संसार के नहीं है हम, संसार तो छोड़ना है। पुरंजन की कथा परीक्षित को सुनाई और कहा राजन ये शरीर तो छूटने का, इसमें जो आत्मदेव है उसका ध्यान करो। प्रियव्रत राजा की कथा सुनाई, वो भी ऐसे सत्संग में जाते थे और उनके हृदय में भी भक्ति भाव जाग गए, वैराग्य हो गए, उनको तपस्या करने गए, अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, बोले भजन करना है, संसार तो सब झूठा है। अरे झूठा है इसका क्या मतलब, अरे गृहस्थ में रह करके भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, गृहस्थ में भी कुछ समय तक आप सन्यासी की तरह जीवन जी सकते हैं, वैरागी की तरह जीवन जी सकते हैं, 24 घंटे में कुछ समय के लिए सन्यासी की तरह रहिए, साधु की तरह रहिए, संत की तरह रहिए कुछ समय के लिए, बाद में दुकान धंधा खेती सब करो ना। संत एक स्वभाव है, वेशभूषा से तो पहचान होती है लेकिन स्वभाव से भी आपके तो ये तो पूरा पंडित है, ये घर में बोलते हैं जबकि वो पंडित ही नहीं करता बेचारा, पर कहते हैं ये तो पूरा पंडित है, ये तो पूरा साधु ही है भैया हमारे घर, हाँ इनका बस यही काम पूजा पाठ कथा कीर्तन मंदिर, ये तो हमारे पूरे संत हैं। स्वभाव से संत बनो, वेशभूषा से बनने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं लेकिन स्वभाव संत बन जाए ये बहुत कठिन काम है। स्वभाव से साधु बन जाओ, जिसका सादा जीवन है, जो सीधा साधा है वही साधु है, सादा जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार वो साधु ही है।
प्रियव्रत राजा को कहा, तुम गृहस्थ में रह करके भी सन्यासी की तरह जी सकते हो, जी सकते हो। आए वो विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से विवाहित हुए, आग्निद्र नाम के बेटा हुए, सात दीप नौ खंड के राजा बन गए। कौन? प्रियव्रत। लेकिन सत्संग प्रतिदिन करते थे। आप सबसे भी मेरी विनती है भाई बहनों, एक घंटे का सत्संग स्वाध्याय जरूर करो, ऐसी टीम टोली बना लो, रोज 12 बजे के बाद 1-2 बजे मंदिर में इकट्ठा होना है। कोई भी स्वाध्याय करो, कोई कुछ सुनाओ, मंदिर में पुस्तकालय तैयार करो, सब पुराण ढूंढ ला के रखो, अपनी अपनी तरफ से एक एक गिफ्ट कर दो मंदिर में, अलमारी लगाओ पुस्तकालय, इसमें धार्मिक ग्रंथ, और 2 घंटा रोज पढ़ो, 2 बजे से 4 बजे तक। काम वाले काम करें, जिनको काम नहीं है, भगवान ने समय दिया है, आप करेंगे तो ये परंपरा चलती रहेगी, नहीं तो लुप्त हो जाएगी। कथा सुनाने वाला उसके हिसाब से सुनाएगा, आप अपने घर में अपने मंदिरों में सामूहिक रूप से जाना भी होगा, और आप शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करेंगे। माता बहन ने जो पढ़ी लिखी है वो सुनाए, 4-10 बैठ जावे, अपना समय भी पास हो जावे, और धर्म ग्रंथों का पठन हो जाएगा। स्वास्थ्य बड़ा महत्व है जीवन में, कुछ नियम बनाओ इसे। 12 महीना सत्संग होना चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तकें भी आती है संत महात्माओं की, प्रवचनों की। गीता प्रेस गोरखपुर में स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की पुस्तकें बहुत अच्छी, मैं भी पढ़ता हूं, आप सब भी पढ़ो, सस्ती आती है, पुस्तकें लाओ और पढ़ के सुनाओ। ये पुस्तक भी गुरु बनकर के आपको ज्ञान दे देती है, पुस्तक से भी समाधान हो जाता है, पुस्तक पढ़ करके भी आपको राहत मिल जाती है। तनाव है, विचार घर में नहीं मिल रहे, परिस्थितियां बदल जाती, कहां जाए, क्या करें, आखिर सत्संग ऐसा सहारा है। दुख या से भागा फिरे, सुख में रहे समाए, सुख का अनुभव होता है। परीक्षित को जब श्राप मिला, सुखदेव मुनि जी ने कथा सुनी, परीक्षित दुख भूल गए, मौत का दुख भूल गए। आज तनाव का कारण क्या है? हम स्वाध्याय नहीं करते, शास्त्र पढ़ते नहीं, ईश्वर के प्रति हमारी उतनी लगन नहीं। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, कथा सुनने के बाद चिंता खड़ी हो जाना चाहिए, कैसे कल्याण होगा, कैसे जीवन सफल होगा। जैसे दुनिया की तो चिंता है ही, आज एक और ले जाओ यहां से, हाँ वो चिंता करने से शायद आप बीमार होंगे, दुखी होंगे, लेकिन ये चिंता कैसे? मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे बचपन गवाया मैंने नए।
निस्तारोगे मुझे चिंता सतावे दिन रात प्रभुजी कैसे तारोगे ताली बजा के चिंता करो चिंता दुनिया की तो हम सब करते ही हैं करना भी चाहिए पर एक चिंता और लेके जाओ क्योंकि दुनिया की चिंता करने से शायद काम बने ना बने पर आदत पड़ गई ना तो कई तो चिंता का बहाना ढूंढे हाँ जबकि ऐसी कोई बात है नहीं पर वो आदत पड़ी तो चिंता भगवान की करोगे तो वो चिंतन बन जाएगा चिंतन चिंता चिता समान है चिंता बुरी बला है अरे चिता जलावे आग में पर चिंता बिन आग ही जलावे चिंता में कई का खून बल गया और पड़ोसी भी कही हालत कैसी हो गई चिंता करे तो अब चिंता कौन सी करना है
कैसे मेरा कल्याण होगा, ये चिंतन बन जाएगा। और जब आप ये चिंता शुरू कर देंगे, इतनी जिंदगी चली गई, अभी तक भगवत भक्ति नहीं हुआ, ना धर्म का पालन हुआ, अच्छा काम तो कम हुआ और बुरा काम ज्यादा हुआ, जाप कम हुआ है, पाप ज्यादा हो गया। जब आप थोड़ी सी ये चिंता करेंगे ना, तो आपके आत्मा में परमात्मा दिव्य प्रेरणा देंगे, दिव्य प्रेरणा मिलेगी। आपके अंतःकरण में, मस्तिष्क में ईश्वर का दिव्य ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा, प्रकट होने लग जाएगा। फिर आपके शरीर से भगवान जी काम कराएंगे, शरीर आपका होगा लेकिन भगवान फिर आपसे काम कराएंगे। अभी हम संसार का काम कर रहे हैं, भगवान का काम करना है, चिंता खड़ी करो। चेत का महीना है, चेत जाओ, चेत जाओ, चेताने के लिए। और कल रंग पंचमी का पर्व है, हाँ, तो ऐसे रंग में रंगना है हम सबको। दुनिया के रंग में तो बहुत रंगा लिए, हाँ, वो और कोई क्या के, हम तो सब रंग में है, हाँ, कथा में भी आनंद ले लिया और उधर दूसरी तरफ गए तो उधर भी कम नहीं पड़ रहे ना, भक्ति के रंग में, ज्ञान के रंग में, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, मंदिर, ज्ञान चर्चा, धर्म की चर्चा, भगवान की चर्चा, शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत की ही चर्चा, ये रंग में रंगना है। बस दिमाग में हुई, इन लोगों के साथ बैठना उठना जो सत्संगी भजनानंदी, तजो हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख है, धर्म से विमुख है, भक्ति से विमुख है, उनके संग नहीं बैठना। आप यहां बैठे हो, दूसरे के पास अगर बैठ गए ना तो वो सब खींच दे, ये पुण्य खाली कर देंगे। प्रियव्रत राजा ने अपने पुत्रों को एक एक दीप का राज दे करके ऐसा रंग भक्ति का लगा, प्रियव्रत राजा तपस्या करने चले गए। आग्निद्र ने अपने बेटे नाभि को दिया, इसे परंपरा बन गई थी, परंपरा बन गई। घर में ऐसा धार्मिक वातावरण बना लो भाई बहन, छोटे बच्चों को आप को देख करके उनको समझ में आए, बच्चों को सिखाने से, कहने से नहीं करेंगे, आप करेंगे तो वो देख के वो भी कर लेंगे। आप 8 बजे तक पढ़े रहोगे सवेरे तो बच्चे भी सोचेंगे अपन उठ के जल्दी क्या करेंगे, आप जल्दी उठेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर भी वो संस्कार आ जाए। आप घंटी बजाएंगे, आरती करेंगे, जे जे करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, माला जपेंगे, तो छोटे छोटे बच्चे भी फिर एक्टिंग करेंगे, हाँ। और आप गाली दे रहे हो, आप लड़ रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो फिर वो बच्चे वो देख रहे हो यही सब जरूरी है, तो वो भी सीखेगा। इसलिए बच्चों के सामने तो बिल्कुल ईमानदारी से रहना, हाँ वे जब स्कूल चले जाए आराम से फिर हल्के हो जाए, वो उनके सामने नहीं करना बिल्कुल, डरो उनसे। बच्चे पे असर पड़ता है उसका, चाहे वो बोलता नहीं है, समझता है। इसलिए वातावरण घर का धार्मिक बनाइए, भजन, कीर्तन, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, धर्म की चर्चा करो, उस पर वार्तालाप होना चाहिए, घरों विचार होना चाहिए। सामूहिक रूप से बैठ करके भोजन का भी नियम बना हुआ है, एक साथ भोजन भी हो और एक साथ भजन भी हो, और रोज नहीं हो तो हफ्ते में एक दिन तो कर लो, एक दिन तो भेले हो जाओ सब, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन नहीं तो 1 महीना में, 1 महीना नहीं तो 6 महीनों में तो हो जाओगे, अब ज्यादा नहीं करेंगे। इसलिए वो अष्टमी आती है, नवमी आती है, कुल देवी देवता का पूजन होता है, सब भेले हो जाओ आराम से, एक दूसरे के विचार सुनो, किसको क्या परेशानी है, दुख दर्द जीवन में आ जाता है,
परिवार में एक दूसरे को सुनो और मदद कर सको, लायक बनाया भगवान ने तो उसकी सहायता करो। विचार एक मिलना चाहिए। हम एक साथ बैठते नहीं है तो एक विचार कब होंगे? एक साथ भोजन नहीं करते। नियम बनाओ, दोनों समय में तो एक समय रोज भोजन हो, एक समय एक दिन में नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे दिन तो रविवार के दिन सामूहिक रूप से बैठ के कह दो ये आज जल्दी आ जाए जो साथ में ही भोजन करेंगे। हाँ, बड़ा महत्व है इसका। एक विचार होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। विचार नहीं मिल रहे, घरों में तनाव झगड़े का कारण क्या है? इनका विचार अलग है और उनका अलग है, तो भी कैसे मैचिंग हो? भक्ति, सत्संग, कीर्तन प्रतिदिन घर में होना चाहिए। अब किसी किसी घर में क्या अकेले अकेले कर लेते भजन, जैसे मंदिर में पुजारी रहे ना, ऐसा कि घरों में भी पुजारी फिक्स है, वही रामायण पढ़ ले, वे भगवान नीला के टीका टमका लगा दे, फूल चढ़ा दे, दूसरे से कभी के आज पूजा कर देना तो उसको ऐसा लगे। इसलिए मेरा नाम लेना मत, पर एक एक दिन सबके माथे धरो, आज तुम पूजा करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, सबका नंबर आना जी पूजा करेंगे घर में, आज तुम आरती करो, कराओ सब, नहीं तो आलसी हो जाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तब इनको ना तो बत्ती का डब्बा मिलेगा ना कोई इनको माचिस मिलेगी, मालूम ही नहीं, घंटी बजाए तो वो थाली नहीं घूमे। कराओ उनसे प्रैक्टिस, बच्चों की परीक्षा हो गई अब उनसे कहो तुम नहाओ, तुम ठाकुर जी नहलाओ, तिलक करो, पूजन करो, फूल चढ़ाओ। हम कोई विदेश से थोड़ी आए, कई घरों में देखते हैं इतने ज्यादा पढ़ लिख लिए उनको तिलक लगाते नहीं है, कौन सी उंगली से लगाएंगे वो, ये वो पितृ देवता की। मैं कहता हूँ रुक रुक कहाँ किधर कर रहे भैया, पूजा करते नहीं आती, तिलक लगाते नहीं आता, आरती करते नहीं आती, आरती याद नहीं है, शर्म वाली बात है। हमने पढ़ाई भी ऐसे स्कूलों में कराई बच्चों को जहां अपनी भारतीय संस्कृति की कोई चर्चा ही नहीं हो रही हो, विदेशी पढ़ाई, अंग्रेजी की पढ़ाई, उसमें कई स्कूलों में तो नाड़ा बांध के नहीं जा सकते, तिलक लगा के नहीं जा सकते, आप चोटी नहीं रख सकते, और ऐसे गांव के लोग भी शहरों में आकर उसी स्कूल में नाम लिखा रहे जहां हमारे भारतीय ऋषियों की परंपरा की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। आप ऐसी जगह क्यों बच्चों को पढ़ा रहे? और ये सब पढ़ भी लेंगे तो कहां सब कलेक्टर ही बन रहे हैं? उन्हें को वहां अंग्रेजी में पढ़ाई होती तो ठीक है, अंग्रेजी आप बाहर भी ट्यूशन लगा के दो चार महीने में बच्चे सीख सकते हैं अंग्रेजी, जरूरी कोई वो स्कूल हमसे कमा रहे, महंगी फीस ले रहे और वो पैसा हमसे ही कमा करके वो धर्म परिवर्तन करा रहे, वो पैसे से अपने खिलाफ खड़ा कर रहे लोगों को, हमको अकल ही नहीं आ रही, देखा देखी हमने बच्चे का स्कूल में नाम लिखा दिया, उनके जा रहे तो हमारे भी जाएंगे। शिक्षा का विरोध नहीं है, अच्छी पढ़ाई करो, सब भाषाओं को सीखो, लेकिन संस्कार तो मत भूलो, माता पिता को प्रणाम करना, जल्दी उठना, रक्षाबंधन है, त्योहार है, जन्माष्टमी है, कई बच्चों को यह बताया नहीं जाता है और विरोध करते हैं, भड़काते हैं, छोटे बच्चे हैं उनका कोमल हृदय और माँ बाप को जानते नहीं, ना उनसे पूछते क्या पढ़ के आए, क्या सिखाया है, कोई बातचीत नहीं, धीरे धीरे उसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो जाती है कि इस और उसका रुझान ही नहीं होता है, कथा गणपति दुर्गा मैया उपवास सावन सोमवार उसका मन ही नहीं लगता। इसलिए अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार के बिना सब कुछ बेकार है भाई। आज अपराध क्यों बढ़ रहे? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या वे अनपढ़ लोग है? इतना दंगा फसाद हिंसा, कितने सरकारी संपत्तियों को जला देते हैं, आग लगा देते हैं, बस में आग, ट्रेन में आग लगा देते हैं, किसको नुकसान होता है इसका? कि इनको अकल नहीं है? अरे हमारे ही तो भाई बहन, उनको परेशानी आएगी, आपने रेल रोक दिया, आंदोलन कर दिया, बाजार बंद कर दिया, आप हिंसा कर रहे हो, आग लगा रहे हो, किसका नुकसान हो रहा है? अपने ही तो है भाई,
किस काम की तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? क्या संस्कार नहीं है, अनुशासन नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है? अखबारों में रोज पढ़ रहे कितनी हत्या हो रही है, कितने शराब पी रहे, नशे में माँ बाप को सता रहे, नशे में गाड़ी चला रहे, स्वयं की जान खतरे, दूसरों की जान ले लेते। संस्कार अगर हो भाई बहनों, शिक्षा चाहे कम हो पर संस्कार ज्यादा होना चाहिए। और हमारे ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार, 16 संस्कार की बात की, अंतिम संस्कार भी विधिवत होना चाहिए। सकेत अगर संस्कार नहीं दिए तो ये अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं करेंगे आज की औलाद। ए अब क्या काम है, लगा दो आग कहीं भी, फेंक दो, हो गया, कोई परवाह ही नहीं उनको। अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, संस्कार ही नहीं उनके अंदर। इसलिए भाई बहनों अपने घरों में धार्मिक वातावरण बनाइए, उनको ऐसी जगह लेकर के आइए, सत्संग में ले जाया करो बच्चों, कथाओं में, सत्संग में, मंदिरों में। एक समय मंदिर में जाने की आदत बनाई, अपने गली मोहल्ले में अगर मंदिर है, प्रतिदिन उन्होंने कहा आरती 7 बजे होती, 8 बजे होती है, सब मिलके समय तय कर लो, और गली मोहल्ले के सब अपने मंदिरों में पास में जाए, वहां जाना चाहिए। माता बहनों को भी, भाइयों को, आप नहीं जाएंगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल नहीं जाएगी, और बुद्धि मन बिगड़ जाएगा और फिर दुखी होंगे, आप भी दुखी होंगे। जो भगवान में, भजन में, कीर्तन में, आरती में मन नहीं लगाता है उसका मन जरूर बिगड़ेगा, बुद्धि बिगड़ेगी, और फिर जब मन बहुत बिगड़ जाता है तो फिर दुख मिलेगा ना। इसलिए मन को भगवान में लगाएं, इसे कीर्तन भजन मंदिर में जाने का नियम बनाओ, प्रतिदिन जाओ, जब जैसा समय मिल जाए, सवेरे नहीं तो शाम को जाओ, आज काम नहीं गया तो कल जाओ, 2 दिन काम, 4 दिन काम, 5वें दिन जाओ। कितनी माता बहने प्रतिदिन जाती है मंदिरों, भाई लोग कोई जाते हैं ये तो नहीं, अरे जाते हैं, वाह वाह। चलो जोरदार ताली बजा के अभिनंदन है, बहुत अच्छा। अब कल रंग पंचमी, आप भी ऐसा रंग में रंग जाओ जो नहीं जा रहे हैं। कोई कोई तो रामनवमी पे भी नहीं जा रहे हैं, जन्माष्टमी पे भी नहीं जा रहे हैं, फुर्सत ही नहीं, मतलब याद ही नहीं आती कब पर्व आया, क्या त्योहार है, कोई खुशी नहीं। अरे और धर्मों के लोगों को देखो, जब उनका त्योहार आता तो एक साथ सब निकलते, हमें कोई पर्व ही नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं। कौन कब तक समझाएगा, अपने मन से समझ में आना चाहिए। भजन और भोजन ये कहने जैसा नहीं है कि कहो और फिर करे, जैसे भोजन भीतर से कुछ होए हो तो, जब भीतर कूदे भूख लगे तो भोजन तो अपने आप ही, कोई रास्ता थोड़ी देखे, कोई कहेगा जब भी करेंगे वो तो अपने आप भीतर से। भोजन के लिए जैसे आप खुद तैयार होते हो, ऐसे भजन भी कहने जैसा नहीं, भजन करो, मंदिर जाओ, रामायण पढ़ो, ये कोई कहने की बात है, अरे मन से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। ओ चलो मन से नहीं हुआ तो कहने के बाद तो कर लो, मंदिर जाओ, आदत बनाओ इसे। आप कहोगे हमको तो ज्ञान हो गया, भगवान हमारे पास ही है, पर तुमको तो आ गई अकल, पर तुमको देख के दूसरे बेअकल हो नहीं जा रहे, ये भी तो नहीं जा रहे मंदिर, ये भी तो माला नहीं जप रहे, ये भी तो पाठ पूजा नहीं कर रहे, ये भी तो व्रत उपवास नहीं कर रहे, आपको देख के दूसरे नहीं कर रहे। अब आपको ज्ञान हो गया, वो उनको नहीं हुआ ना, इसलिए उनके निमित्त से आप जाइए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। परंपरा ऐसी बनना चाहिए, जो हमारे पूर्वज नियम से करते थे जो कार्य, वो हम चालू रखें उसको। हमारी पुरानी परंपरा, मंदिर, रामायण, गीता, भागवत, अमावस्या, 11, ये तिथियों का सम्मान करो, आदर करो इनका। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, ना भी राजा की यहां कोई संतान ना हुई, खूब तपस्या साधना की, भगवान प्रसन्न हो गए, क्या चाहते आपके समान पुत्र, तो ना भी राजा के यहां मेरु देवी नाम की स्त्री से
ऋषभ देव के रूप में भगवान ने जन्म लिया और अहिंसा परमो धर्म की बात बताई। जियो और जीने दो, किसी को दुख मत दो। सवेरे से शाम तक विचार करो, मेरे व्यवहार वाणी से किसी को दुख तो नहीं हुआ, मेरे बोलने से, मेरे आचरण से, मेरे चलने से, मेरे बैठने से किसी को दुख नहीं हुआ। अगर मेरे व्यवहार से कोई दुखी है तो मैं फिर धार्मिक नहीं हो सकता, मैं सत्संगी। अहिंसा परमो धर्म की ऋषभ देव का जयंती नाम की अप्सरा से विवाह, उनके सबसे बड़े बेटे हुए भरत, चौथापन आया, उन्होंने भी अपने राज सत्ता का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना करके रहते हैं। एक दिन क्या घटना घटी, हरिण का बच्चा पानी में बह रहा था, इन्होंने बचाया, पाल पोस के उसे बड़ा किया, हरिण के बच्चे से मोह हो गया, ये मेरा है। एक दिन वो भाग गया, ये उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, वो हाथ नहीं आया। इधर मृत्यु का समय निकट आ गया, अंते मति सागति, हरिण के याद में प्राण छूट गए, हरिण शरीर मिल गया। कहने का आशय यह है, इस संसार के अंदर मन कहीं भी फंस सकता है, इसलिए घर संसार का काम करो और मन को तत्काल भगवान में लगा दो, काम निपटे और तत्काल नाम स्मरण चालू करो। अगर इसको फुर्सत में छोड़ा तो ये फिर भराएगा वही। काम भी कर लो, संतों ने तो यहां तक कहा है, काम करते रहो नाम जपते रहो, 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 वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त
जैसा जिगर उस दया सिंधु का, ओम जैसा जिगर उस दया सिंधु का, ओम जैसा जिगर उस दया सिंधु का, ज्योत जलते ही फौरन पिघल जाएगा, ज्योत जलते ही फौरन पिघल जाएगा, ज्योत जलते ही फौरन पिघल जाएगा, ज्योत जलते ही फौरन पिघल जाएगा। अगर फुर्सत न मिले तो काम करते रहो और नाम जपते रहो। कोई कोई को फुर्सत भी रहती है और कोई क्या काम कर रहा है कि हाँ हाँ तो ठीक है भैया, काम भी कर लो साथ साथ नाम भी जप लो, क्योंकि जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। आपने समय निकाला तो निकल गया, और थोड़ा सा आलस कर जाते तो आना नहीं होता। 24 घंटे में भाई ऐसा जरूर समय निकालो। आप दुकान पे जाते हो, खेत में जाते हो, धंधा व्यापार करते हो, कुछ मिलता है ना, तभी तो करते। ऐसा भजन भक्ति करने से भी मिलता है, मिलता है। अब ये कि हाथ में नहीं आए नगद, भाई इतने फर्क है भाई, दुकान धंधा करने जा तो शाम को मिल जाएगी, ये आज इतना फायदा हुआ। अब कथा में आए तो क्या मिला, ये और जो था 1-2 रुपये वे और मिले तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो मिला है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई, दिखाई नहीं दे रहा, पर मिला है, मिला है। और वो चीज मिली है जो आपको दुनिया की संपत्ति दे करके भी नहीं मिलती। ये अभी एहसास नहीं होता, लेकिन आत्मा के ऊपर वो संस्कार, वो छाप छूट रही है, छूट रही है। देर सवेर इसका लाभ मिलेगा, आएगा आपको सब। ये बेकार जाने वाला नहीं है, भले ही सुन करके भले ही मत सुधरो, पर सुन तो लो, सुन लो, हो सकता है काम आए जीवन के अंतिम श्वास तक। और अंतिम श्वास तक भी अगर आपको इसका लाभ नहीं मिला तो भगवान कह रहे हैं मैं दूसरे जन्म में इसका फल दे दूंगा, बेकार नहीं जाएगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भले ही जीवन में आपको कुछ लाभ नहीं मिल रहा हो, फिर भी करते रहना, करते रहना। क्यों? काम बढ़िया है। कुछ काम ऐसे होते हैं तत्काल फायदा ना मिले तब भी कर लो, कर लो। कहीं ने प्लाट लेके पटक दिया, जरूरत थोड़ी है, ए पटक दो तुम तो, होशियारी से काम करा उन्होंने, हे बाद में बेच दे। हाँ, ऐसा भजन करके भाई बहन रख लो, भले अभी जरूरत नहीं है भगवान की। हाँ अभी जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है ना। कई सामान आपके घर में जो रोज काम में नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े अंडा तपेला कौन काम में ले रहा है रोज, पर धरे घर में, कभी तो काम आएंगे। रोज काम में नहीं आ रहे हैं, ऐसे भी सामान है जो दिवाली दशहरे उपयोग में आ रहे हैं, बाकी खाली जगह रोक के रखे हैं बस,
पर है तो सही, जब जरूरत पड़ेगी तो पड़ोस में मांगना तो नहीं पड़े। ऐसा भजन भक्ति करके रखो, कहां जाओगे मांगने, जरूरत पड़ेगी तो कर लो, काम आएगा इस जन्म में। देखो वो हरिण बने थे, हरिण शरीर छूटा, ब्राह्मण कुल में जन्मे और बचपन से ये सवैराग्य हो गया था उनको। जड़ भरत जी आवाज देते तो सुनते, सुनते तो थे पर फालतू की बात नहीं सुनते। हाँ भजन कीर्तन ज्ञान की बात खटखट सुने, और ये दुनियादारी की बात में ऊआ करे, ये तो गूंगा भी है बहरा भी है। जड़ भरत नाम धर दिया, जबकि बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे वो, पर उनको पुराना जो भजन था जड़ भरत जी के, हरिण शरीर मिला, हरिण के पहले राजा थे, उस समय जो भजन किया वो हरिण शरीर छूटने के बाद जड़ भरत बनकर के रहे। ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन लोगों की नजर में पागल, पर वो जानबूझ के ऐसा करते थे कि अब अगर दुनिया का काम किया तो फिर वो जिसलिए जीवन मिला वो काम छूट जाएगा। एक समय आने के बाद में घर गृहस्थी के काम से थोड़ी दूरी बना लो, हाँ बस बहुत कर लिया, अब हम भजन करेंगे, ऐसा थोड़ा सा कड़क बनो, थोड़ा ऐसे डर डर के मत रहो। हाँ फिर हम मंदिर जाएंगे, अब कथा में जाएंगे, दो घंटा तो मंदिर में झाड़ू बुहारी सेवा सफाई करेंगे वहीं। ये तो घर के कभी आपको छोड़ने वाले नहीं है, जब तक हाथ पांव चलेंगे ना ये पूरा कस के काम लेंगे। ये बड़े बुजुर्गों को भी फुर्सत में नहीं बैठने दे, और कहीं नहीं तो ले वे मेथी सुधार जा, हाँ और कहीं नहीं तो वे छोटे छोटे हैं इनको संभालो, काम लेंगे ये तुमसे, बिना काम के तुमको रहने नहीं देंगे। हाँ भले से आज ही घर जाके काम मत करना, फिर उनका मुंह तरफ देखने, काम करो तो सबको अच्छा लगे भाई, काम नहीं करो ना घर के पसंद नहीं करे, काम करो तो पड़ोसी भी चाय पिला ये बहुत काम करे हमारा, आजा भैया। दुनिया में भाई बहन जड़ भरत जी ने जब ऐसा देखा घर के लोगों ने कहा कोई काम का नहीं, खेत पे पटको रे, खेत पे रहेगा तो रखवाली हो जाएगी। वहां चोरों का सरदार आया, पकड़ के बलि चढ़ाने लगे जगदम्बा को, जगदम्बा प्रकट होगी उन दुष्टों को समाप्त करके कहा अरे तुम जैसे अज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी को क्या पहचानो, अरे ये ब्रह्म ज्ञानी है, तुम इनको पागल समझ रहे, मारने के लिए क्या ये। जगदम्बा ने उनको मार दिया, जड़ भरत जी को भरोसा हो गया मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वो मेरे साथ है और भजन भक्ति बड़ा। एकांत में बैठे थे, सिंधु सोवी सम्राट रोगन जी जा रहे थे, पालकी उठाने वाला बीमार हो गया, जड़ भरत जी को पकड़ा कंधे पे पालकी रखी और चल रहे। रास्ते में चीटियों का ढेर आया, जो छलांग लगाई तो पालकी गिरी तो राजा भी गिरा, मुकुट गिरा तलवार गिरी, क्रोध आया तलवार उठा के मारने लगा। जड़ भरत जी हंसने लगे तुम मार दोगे मेरे को, तुम्हारी तलवार में इतनी ताकत है, अरे तुम शरीर को मार सकते हो मेरे को नहीं मार सकते। राजा का दिमाग घूम गया तो तुम दो हो क्या, बोले मैं अलग हूं शरीर अलग, ये तो शरीर मेरा निवास स्थान है, मैं देह में रहता हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं अलग हूं। राजा ने तलवार रखी और कहा बात तो ब्रह्म ज्ञान की वेदांत की कर रहे पर दिखने में तो पागल जैसे। राजन दुनिया में वेशभूषा का ही सम्मान होता है जबकि ज्ञान की कदर होना चाहिए। ज्ञान के साथ हम गुरु की भी पहचान कपड़ों से ही करते हैं, जो अच्छा झिलमिल झिलमिल पहने ना खूब चमक वाला, ये गुरु बहुत बढ़िया है। जिनका बाल ऐसा अच्छा मेरे से भी कहते तो तुम तो नकली लगवा लो तो खूब भीड़ होगी कथा, तुम्हारा हेबे भी उड़ गया। मतलब हम गुरु को भी पसंद करते हैं तो उनके कपड़े से, उनकी वेशभूषा से, उनके सुविधा से, जबकि गुरु वही जो आपका अज्ञान मिटा दे, आपको पाप से बचा दे, आपके मन को भगवान में लगा दे, वही आपका गुरु है। फिर भले वो दिखने में कैसा ही हो, उसका रंग रूप, उसकी वेशभूषा,
पे ध्यान न दे करके जो आपकी बुराइयों को मिटा दे, आपके मन को भगवान से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, आपको पाप करने से बचा दे, गुरु है वो। आपका मित्र भी अगर आपको अच्छी सलाह दे रहा है और आपको बुराई के मार्ग से हटाता है, आप उसको गुरु की तरह सम्मान दीजिए। गुरु है वो आपका मित्र हो, आपका भाई हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी जो आपको अच्छी सलाह दे उसका सम्मान गुरु की तरह करना चाहिए। तो जड़ भरत जी कह रहे हैं, तुम मुझे मार दोगे, तुम्हारी तलवार में इतनी ताकत नहीं, मैं तो अजर अमर चेतन अविनाशी आत्मा हूं, इस देह में रहो पर ऐसा मानो मैं देह से अलग हूं। समझ में आई भाई? मैं शरीर नहीं हूं। भाई हम क्या मानते, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, ये शरीर है, लेकिन इससे अलग जो एक चेतन तत्व जो आपके भीतर विराजमान है, आप असली स्वरूप आपका आत्मा है, लेकिन हम समझ नहीं पाए, इसलिए मरने का भय है। अरे आत्मा कभी मरती नहीं, मरती सदा ही देह है, ना देह अमर हो सकती, इसमें क्या संदेह है। गुरु क्या करते हैं, संदेह मिटा देते। तो जड़ भरत जी के चरणों में रघुगण राजा बैठ गए और प्रार्थना कर रहे, मुझे भी ये आत्म तत्व का ज्ञान दे दीजिए। तो भवाटवी ज्योतिषमा चक्रों का वर्णन, नरकों का वर्णन सुना करके और रघुगण राजा को जो ज्ञान दिया आत्म तत्व का, ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, 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 आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ताली बजाते हुए अपने अपने गुरु का ध्यान करो। जय हो हरि जय हो।
कभी वो आनंद नहीं मिला जो एक सद्गुरु आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी के निकट बैठ करके जो आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि आनंद सिर्फ ईश्वर से ही मिलता है। रोवण राजा अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जिसके जीवन में सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिलते भाई बहनों, उनको सच्चा आनंद नहीं मिलता है। कथा में प्रसंग आता है अजामिल उपाख्यान का। बहुत बुराइयां अवगुण जीवन में थे, लेकिन गुरु आए और उन्होंने कहा भी देखो अब जीवन को अच्छा बना लो, क्या करो, भगवान का नाम जपो, नारायण 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 नाम जपा। अजामिल ने अंतिम समय में नरक से बच गए, भगवान का नाम बहुत ताकत रखता है। ये कह सकते भगवान से भी ज्यादा भगवान का नाम।
राम से बड़ा राम का नाम। राम जी ने गिनती के लोगों को उतारे रामायण में, राम जी और नाम ने कहो कहां लग नाम बढ़ाई, ए राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी भी कह रहे भैया मेरे नाम से कितने लोग ठिकाने लग गए मेरे को खबर नहीं है। हाँ, इसलिए नाम जप में निष्ठा रखो माता बहनों भाइयों, चलते फिरते सोते उठते बैठते ऐसी आदत बन जाए, परंपरा थी सबसे आते राम राम, जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। तो अभी भी कई कई भले आदमी तो बोल लेते हैं पर कई कई बेईमान बोले नहीं। हाँ, ऐसा मुंडा हला राम राम, अब कोई कोई का मुंह में वे सामान रखे रहे अंदर, किधर बोले राम। अरे राम, पापी के मुख से नाम ना निकले केसर घुल गई गारा। नाम स्मरण तो भाई बहनों खूब करना चाहिए, चलते फिरते सोते उठते बैठते अपना तरफ से इतना जप लो, क्योंकि कई लोग क्या बाद में बोलेंगे भरोसे से नहीं जप रहे, ए वे सब बोलेगा राम नाम सत्य है, पर आजकल वहां भी बेईमानी होने लग गई, जिनका खंदा पे वही बोले और पीछे वाले तो कोई तो तमाकू ही घीच रहे। और क्या कहे इसको भी आज ही मरना, एक तो बाजार का दिन था त्योहार का बाजार और अब आज बाजार बंद, क्योंकि अब ये आज ही खुटे एक दिन पहले सटक जाता। लोगों को ये चिंता नहीं कि हमारा भी नंबर आ जाएगा, भजले नाम जप कर ले, वहां जाना अनिवार्य रहता है, जाओ वो नाम जप करो। क्यों, इस भले आदमी ने काम धंधे में भजन नहीं किया, वो अपनी जिम्मेदारी है इसको भजन करके मुकाम पे पहुंचा दो, कि ऐसा नहीं हो ये भूत पलित बन के कहीं फिर। क्योंकि जो भजन नहीं कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, कान खोल के सुन लो, जो भजन नहीं कर रहा है जीते जी भी सताएगा और धुंधुकारी ने और क्या किया था, जीते जी भी धूम मचाई, ओ मेरे बाद फिर वो प्रेत बन के फिर सताए। तो अपना कल्याण तो करना ही है, लेकिन साथ में जो भजन नहीं कर रहे ना उनकी भी चिंता करके, और उनकी भी जिम्मेदारी अपनी है, अपनी है। अगर गली मोहल्ले में कोई भजन नहीं कर रहे हैं तो वो अपने ही माथे है, इसलिए प्रभात फेरी निकालो, निकलती हैं गांव में गलियों में, शुरू करो, कल रंग पंचमी है जल्दी उठो, कल से ये रंग पंचमी और आने वाली रंग पंचमी तक आप कितना नाम जप लोगे, कोशिश करो, संकल्प लेकर जाओ। घर में इतना भजन नहीं होता है, करते हैं करने वाले लेकिन फिर भी उतना नहीं, सामूहिक जब हम जपते हैं उसका ताकत बढ़ जाती है, उसका लाभ ज्यादा। जैसे मान लो यहाँ 2000 लोग हम बैठे हैं, आप एक बार राम बोलो तो एक बार राम बोला गया, एक बार में 2000 बार बोलने का फल मिल जाता है सामूहिक रूप से, और फिर इतने में से किसी ना किसी का तो मन लगता है ना, अब वो नेटवर्क में वो उसका टावर से कनेक्ट हो गया है तो अपने को फोकट में लाभ मिल जाएगा। भाई सबका मन नहीं लगता ना भजन में, अब एक का भी किसी का लग गया तो एक को जो लाभ मिलेगा वो सबको मिल जाएगा, बराबर मिलेगा, इसलिए कम समय में ज्यादा नाम जपा जाएगा। इसलिए प्रभात फेरी सवेरे घूमना हो जाए, जरूर नहीं कि पूरा हरदा नगर के ठेका है, अपनी गली में ही 10 राउंड लगा दो, नाम जपते हुए नाम भी जपा जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसलिए हम सुबह सुबह योग कक्षा लगाते हैं यहाँ 6 बजे से 7 बजे तक प्रातः काल, जहां भी कथा करते हैं यहाँ पे भी कथा मंडप में ही, जहां भी हम कथा करते हैं मंच तैयार है, माइक है, बिछात तैयार है, लोग तैयार है, तो यहाँ भी सवेरे 100-150 लोग आ जाते हैं योग कक्षा में यहीं पर। तो सवेरे भगवान का ध्यान भी होता है, नाम संकीर्तन, मंत्र उच्चारण, कुछ जरूरी बातें, और
जाते समय सब नाम जपते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं, तो सामूहिक से कीर्तन भी होता है। योजना बनाओ, ऐसा समय जा रहा है, घर में भजन कर नहीं पाते हैं, नियम बना लेंगे तो आपका नाम जप हो जाएगा। और नाम जपने से क्या है, गली मोहल्ले में जो नहीं जप रहे हाँ उनके कान में तो नाम की धुन चली जाएगी, तो तुम बोलोगे और उनके कान में नाम की धुन जाएगी तो उनका भी भला हो जाएगा और अपना भी भला होगा। इसलिए जोर जोर से कीर्तन करना, उनके कान तक जाना चाहिए, नहीं तो वो परेशान करेंगे। अजा मिलने अंतिम समय नारायण नारायण, नाम ही तो जपा तो क्या फल मिला। राम नाम से मन मिला तो जम से हुआ दुराए, अब मुझे भरोसा इष्ट का बंदा नरक नहीं जाए। नरक से बच गया जामी। उसी के बाद कथा आती है बृहस्पति जी के शिष्य देवराज इंद्र, वो जब गुरु आए तो क्या देखते हैं, कोई भजन कीर्तन नहीं, नाच गान में मस्त थे। गुरु नाराज होकर के चले गए, राक्षसों ने हमला बोल दिया, देवता भागे फिर रहे, ब्रह्मा जी की शरण गए। ब्रह्मा जी ने कहा भी गुरु के पास जाओ, तुमने गलती की। बोले गुरु तो नाराज हो गए, तो तुष्टा ऋषि के पास जाओ। तुष्टा ऋषि ने इनकार कर दिया, हम तुम्हें चेला नहीं बनाएंगे, तुमने पहले गुरु का अपमान किया तो धन ऐश्वर्य के मद में आकर के गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए हम तुम्हें चेला नहीं बनाएंगे। पहले चेला भी बनाते तो जांच परख करके बनाते थे, खाली संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बनाते थे, जो लायक है उसी को चेला बनाते, नालायक को नहीं बनाते थे। ये तो गुरु की बदनामी होती ना, कौन गुरु का चेला है ये? चेले के आचरण व्यवहार से गुरु का पता चल जाता था, ये उन गुरु के चेले हैं, उनकी वेशभूषा, उनकी बोली, उनकी रहन सहन से पता चल जाता है किसी गुरु का है। हमारी बैठक, हमारी बोलचाल, हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए, वो देख करके पूछना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुमको इतनी अकल कहां से आ गई। हमारी बोली, हमारी दिनचर्या, जल्दी उठना, साफ सफाई, स्वच्छता, सेवा का भाव, सत्य बोलना, खुश रहना, कहीं निंदा चुगली बुराई न करना, ये देख करके वो सोचेगा कोई गुरु का चेला है। और जिनके गुरु नहीं है ना, उनके भी लक्षण देख लेना, बात करने का तरीका, बोलने का, बैठने का, आने जाने का, सब बेढंगापन। तुष्टा ऋषि ने इनकार किया, उनके पुत्र विश्वरूप ने कहा आ जाओ अपने इधर, अपन गुरु बन जाएंगे। कोई को गुरु बनने का बहुत शौक है। अब उन्होंने मंत्र दे दिया, नारायण कवच पाठ किया विधिवत, और राक्षसों पे विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। एक दिन विश्वरूप गुरु का देवराज इंद्र ने अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, कहते हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या का पाप लगा, चार हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा वृक्ष को, एक पृथ्वी को, एक जल को और एक स्त्री को। ये ब्रह्म हत्या का पाप जो पांच दिन की अशुद्ध अवस्था घर में होती, हर घर में होता, जो पांच दिन पवित्रता का पालन नहीं करते हैं उनके घर में अशांति रहती, तनाव रहता है, बीमारी आती, बरकत चली जाती। आजकल ज्यादा पढ़ लिखने के कारण कुछ छुआछूत को मानते नहीं, सब चलता है, उसका नतीजा अच्छा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा संयम रखें, सावधानी रखें, बेटियों को बहुओं को घर में पवित्रता का वातावरण बनाओ, इससे बरकत होगी। जहाँ पवित्रता है वहां परमात्मा की अनुभूति जल्दी होती है, और जहां अशुद्ध अवस्था है तो जीवन में फिर बीमारी बुराई आ जाती है। जब चार हिस्से में बांट दिया, तुष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और वृत्तासुर प्रकट किया, ब्रह्म हत्या फिर लगी। देवराज इंद्र ने मारना चाहा, दधीचि ऋषि के शरीर से हड्डी ला करके और उसे वृत्तासुर को मारा। 1000 वर्ष तक कमल कर्णिका की नाल में रहे, पाप मुक्त होकर आए, फिर गुरु से विनती की। गुरु ने कहा एक बार तुमने बात नहीं मानी, इतना दुख उठाया। एक शब्द गुरुदेव का था को अनंत विचार, था के पंडित मुनिजन वेद न पावे पार। एक एक शब्द बड़े सार गर्भित होते भाई, जिज्ञासु जो शिष्य होता है वो पकड़ लेता है। हाँ, एक शब्द में बात बन जाती है।
महापुरुषों के शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दमय ब्रह्मांड है, शब्द ही रहा अखंड, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संतों की वाणी आकाशवाणी की तरह होती है, अमर वाणी है, अमर वाणी, ये अमर कथा तो है, अमृत वाणी है। संतों की वाणी अमृत के समान होती है, बार बार सुन हमारे अमृत तत्व का बोध हो जाता। जब देवता स्वर्ग पे पहुंच गए, इनकी सुख शांति बढ़ गई, लेकिन राक्षसों की मां दिति ने हिरण्यकश्यप को उकसाया, तपस्या करो और बदला ले। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण देवराज इंद्र ने किया, ये गर्भवती है और इससे जो बालक होगा राक्षसी पैदा होगा, राक्षस का बेटा राक्षस। नारद जी मिले और कहा देखो गर्भ में अगर अच्छे संस्कार डाले जावे, भजन कीर्तन करे गर्भवती माँ, तो बच्चों के गर्भ में ही संस्कार अच्छे आ जाते। गर्भवती माँ थोड़ा 10 महीने नियम संयम साधना पवित्रता अच्छा चिंतन अच्छा पढ़े अच्छा देखे अच्छा सुने खुश प्रसन्न रहे अच्छे चरित्रों को पढ़े तो गर्भ के संस्कार बदल जाए। आज भी बदलते। तो भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, दिन में मरू ना रात में, ऊपर न नीचे, जल में न थल में, अस्त्र से न शस्त्र से, किसी से मरू नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान पा करके इन्होंने ईश्वर का विरोध किया, कोई भगवान नहीं है, मेरी पूजा करो, मैंने वरदान पा लिया है। ईश्वर की तरफ से जो कुछ भी हमें ज्यादा मिला है, अगर हमने उसका दुरुपयोग किया है तो दंड मिलेगा। सदुपयोग करो, धन मिला है, ज्ञान मिला है, बल मिला है, पद मिला है, परिवार मिला, जो भी आपको जरूरत से ज्यादा है दुरुपयोग मत करो। हिरण्यकश्यप ने अपने बल का, धन का, ताकत का दुरुपयोग किया, राक्षस कहलाया, इतना पाप अत्याचार करने लगा। प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में आए, पिताजी कहीं भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं देती, कीर्तन सत्संग नहीं। अरे बेटा पुराने भगवान साहब कैंसिल हो गए, फिर अब मैं ही भगवान बन गया। पिताजी ये तो नहीं हो सकता है, आप भगवान नहीं। भगवान वो परम पिता जो सारे संसार का पालन करता है, भगवान सब जगह, आप सब जगह नहीं, आप एक राज्य के राजा हो, लेकिन भगवान तो ब्रह्मांड के राजा है, संसार के मालिक है। आप उनको भूल करके अपने को भगवान बता रहे हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा सारी दुनिया मानती है, तू नहीं मानता। बोले मैं नहीं मानूंगा, क्यों? मैं मानता हूं ईश्वर को जो सर्वव्यापक है, मैं नश्वर को उतना महत्व नहीं देता। तो तुम मुझे नहीं मानता, मैं आपको पिता मानता हूं, पर परम पिता तो अलग है। आप क्यों मुझे मानो? मैं मान रहा हूं आपको, लेकिन आप कहोगे मैं ही भगवान हूं, ये बात ठीक नहीं है, ये बात मैं नहीं मानूंगा, तो मैं तुझे मार दूंगा। मार के देखो, तलवार से मारा, पहाड़ से पटका, जहर पिलाया, आग में जलाया। प्रहलाद जी सब जगह जब बच गए तो हिरण्यकश्यप कहता तुझे बचाने वाला कौन है? पिताजी अब तो समझ में आ जाना चाहिए, अरे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और वो सब जगह है। तुमने कौन सी जगह जहां कसर रखी हो बताओ? तुमने पहाड़ से पटका तो नीचे झेलने वाले ने झेल लिया, आग में जलाया तुमने, आग में बच गया, तो वो अग्नि नारायण के रूप में, जल नारायण के रूप में, वो आकाश में है, धरती में है, सर्वत्र व्याप्त है, तो क्या खंभे में भी है क्या? हिरण्यकश्यप ने कहा पिताजी जब सब जगह है तो खंभे में क्यों नहीं है? तो आज मैं उसे समाप्त करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कमर में से तलवार निकाली और जैसे ही खंभे में मारा, खंबा तड़ाक से फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। ये प्रकट हो गए भगवान, नरसिंह भगवान आपके यहां पेड़ी घाट पे भी आ गए हैं, है ना? तो सब दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। कहीं हिरण्यकश्यप वाली बुद्धि हमारे भीतर हो प्रभु,
तो आप उसे आज मिटा देना और प्रहलाद वाली भक्ति हम सबके जीवन में आ जावे। ऐसा ना हो अभिमान में आकर के हम भक्ति साधना ना करें। दुख संकट विपदा में भी प्रहलाद जी ने भक्ति की तो भगवान खंभे में से प्रकट हो गए। तो खंभे उन तो आज भी है और पहले से सुंदर सुंदर खंभे हैं, पर भक्त प्रहलाद नहीं है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, जहां प्रहलाद वाली भक्ति है वहां मैं प्रकट होता हूं। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा चिंता ना कर, जिसे जिससे तुझे डर है उस हिरण्यकश्यप को आज मैं समाप्त कर दूंगा। हिरण्यकश्यप को पकड़ा, वो जंघा पर लेटा है और कहा, दुष्ट पापी, एक छोटे से बालक को ये समझ में आ गया कि ईश्वर है, एक दिन सब कुछ नश्वर होने वाला है। तूने नश्वर को महत्व दिया और प्रहलाद ने ईश्वर को महत्व दिया है, आज पता चल जाएगा ईश्वर बड़ा है या नश्वर बड़ा है। हिरण्यकश्यप को जंघा पे लेटाया, नाखूनों से चीर डाला, जैसे मरा आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि, नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद को गोदी में बैठा कर कहा, बेटा तूने बहुत कष्ट उठाया है लेकिन तूने कभी मेरी भक्ति साधना नहीं छोड़ी, भरोसा नहीं छोड़ा। तूने नश्वर को महत्व ना दिया, ईश्वर को महत्व दिया, इसलिए आज मैं प्रकट हुआ हूं, बोल तेरी क्या इच्छा है। प्रहलाद जी कहते, मेरे पिताजी की सदगति हो जाए, क्योंकि एक भी काम अच्छा नहीं करा, हमेशा उल्टे ही चले, जब जीते जी उल्टे चले तो मरने के बाद कहां कोई सीधे गए होंगे बेकुन। हाँ बेटा, तेरे पिता तो नरक जाएंगे, तो एक काम करो, आप मुझ पर प्रसन्न हो, हाँ तो मेरे पिताजी को तो आप बेकुन भेज दो और मेरे को नरक भेज दो। तो बेटा नरक में बहुत दुख मिलेंगे, हाँ यमदूत मारेंगे, गड्ढे में पटक देंगे, रोना पड़ेगा। प्रभु मैंने ऐसा सुना है, भजन कीर्तन करेंगे तो जहां भजन कीर्तन होता है वहां पे आप आ जाएंगे, और आप आ जाएंगे तो नरक का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका वचन है ना, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं जहां मेरे भक्त कीर्तन भजन करते हैं मैं वहां पर उपस्थित हो जाता हूं। तो यहां मैंने इतना दुख भोगा है, मेरे पिताजी को सुख मिल जाए, मैं नरक में जाने को तैयार हूं, मैं वहां भजन कीर्तन करूंगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। भगवान इतने प्रसन्न हुए, बेटा तेरी पितृ भक्ति भी बहुत अच्छी है, तेरे पिता ने इतना सताया फिर भी अपने पिता के प्रति तुम्हारा ये भाव है, तो बेटा तेरे जैसे भगत के 21 पीढ़ियों को उतारता हूं, 10 पहले से जो अटकी है उनको भी प्रमोशन, और 10 तेरे बाद जो आएंगी वो, तू अपने लिए कुछ मांग। तो प्रहलाद जी ने निष्काम भक्ति का वरदान मांगा, भाई प्रभु भजन के बदले में आपसे मैं कुछ नहीं मांगू। दुनिया में लोग व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, एक नारियल चढ़ाऊं अगर पहले नंबर पास हो जाऊं तो ये सौदा कर लेते हैं हम। भगवान से व्यापार मत करो, लेन देन का सौदा मत करो, भगवान से भगवान को ही मांगो, फायदे में रहोगे। हमने भगवान से सामान मांगा है, वस्तुएं मांगी है, नश्वर वस्तुओं को ईश्वर से पाया है। अरे ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को ही पाना है, ऐसे प्रहलाद जी ने भगवान से विनती की कि मेरे पिता ने भी तपस्या करके ईश्वर को नहीं मांगा, और जो कुछ मांगा ईश्वर को भूल गए, खुद मालिक बन गए, और फिर उन्होंने पाप किया, अत्याचार किया, इसलिए दुनिया की संपत्ति पाकर के आपको मैं भूलूं, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति का वरदान दे दो, खूब भजन करूं पर कभी कुछ मांगू नहीं। आप भी हम सब मिलकर आज ऐसा संकल्प लेंगे कि खूब भक्ति साधना करें पर बदले में कुछ नहीं मांगे, तो भगवान मिल जाएंगे। जब प्रहलाद जी को खंभे में से मिल गए
तो हमें भी जरूर भगवान जी की प्राप्ति होगी। ऐसी मंगल कामना के साथ भजन कीर्तन करना। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला जी ने, ध्रुव जी ने, मीरा जी ने, नरसिंह मेहता ने जो भजन भक्ति की, जो लाभ उनको मिला है भाई बहनों, वो ही लाभ हम सबको मिल सकता है। उसी तरह से भजन हम करेंगे तो भगवान जी तो हमारे भी हैं, हमारा भी साथ देंगे, हमारी भी रक्षा करेंगे। इसीलिए कथाओं में वो प्रसंग सुनाए जाते हैं। आप हम सब भी जब ऐसे निष्काम भक्ति करेंगे तो प्रहलाद जी की जैसे रक्षा की, ऐसे हम सब की भगवान जी रक्षा करने वाले हैं। इसी भावना से भजन करेंगे। आज तीसरे दिन की कथा का विश्राम, कल चौथा दिन है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का प्रसंग, और कल रंग पंचमी भी है। हाँ, तो रंग पंचमी पे कल आप सब फूल ले लेकर के आएंगे, एक एक दो दो किलो फूल ले आओ और पास में रखना, और जब यहाँ होली के गीत होंगे, भजन कीर्तन होंगे, उस समय सब फूल की होली खेलेंगे। तो आप सब तैयारी से आवें, जो संपन्न हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेकर के आवें, ताकि हम सब मिलकर के ऐसा रंग पंचमी का आनंद भगवान की मंगलमयी कथा में लेंगे। आप सब सावधानी से रखें अपने सामान, रकम जो असली असली रकम पहन के आए हो तो वो थोड़ा सावधानी से बैठना, क्यों निकालने वाले तुम्हारे पड़ोस में ही बैठे हैं। हाँ, इसलिए नकली वाले बेफिकर रहना और असली वाले थोड़ी फिकर से बैठना, क्योंकि अब तुम यहाँ आ गए तो वे कहाँ जाए बेचारे, वे भी यहीं आए हैं। तो किसी का नुकसान ना हो, कोई मोबाइल, किसी की रकम, चेन,
वो आपके पास में ही बैठे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर आप सावधान रहना, ठीक है? तो भीड़ ज्यादा है, जगह कम है, तो कहीं ऐसा ना हो, प्रसाद में आप जल्दी भगदड़ करो, दर्शन में भगदड़ करो, आप शांति का परिचय देंगे, कोई भी भागा दौड़ी ना करे। भगवान नरसिंह जी, जब तक आप यहाँ सब नहीं आएंगे, जब तक नरसिंह भगवान यही रहेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम अंतर ध्यान हो जाए। तो माता बहनों से विनती है, आरती में, प्रसाद में, यहाँ से जाने में जल्दी ना करो, भगदड़ ना करो, समझ गए? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आप कृपया शांति का परिचय देंगे, दो मिनट। कल के विषय में आप सबको सूचित कर दिया जाए। कल यहाँ भगवान नंदन बालकृष्ण लाल के कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा आप श्रवण करेंगे। कल यहाँ भगवान का जन्म महोत्सव हम आप सभी बड़े धूमधाम से इसी समय मनाएंगे। तो भैया थोड़ो ध्यान दियो सभी लोग, भैया माता बहनों भैया, वृंदावन में जब कन्हैया का जन्म हो तो सबरी गोपी एकाएं पीरे पीरे कपड़ा पहन के आए करें। आपको मैं वृंदावन की भाषा बता रहा हूँ, थोड़ा श्रवण करियो। तो वृंदावन में जब कन्हैया का जन्म हो तो सबरी मैया पीरे पीरे कपड़ा पहन के आमे। तो कल आप सबको पीरे पीरे कपड़ा पहन के आनो है। और आप कहो कि भैया हम पे है ही नहीं तो कैसे आमे, तो कोई बात नहीं भैया, कल के लिए उधार मांग लियो पड़ोसिन से, और पड़ोसिन मैंने कर दे तो भैया हरदा शहर बड़ो है, और यहाँ पे तो पीले वस्त्र का कैसे भी चाहिए वैसे मिल जाएंगे, बाजार भी बढ़िया है, तो जहीं खरीद लियो। और खरीदो भी समय नहीं बने तो पीत पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल को अपने हृदय में बसाए के कथा श्रवण करवे अवश्य पधारेंगे, ठीक है? कल आप सबको आनो अधिक से अधिक। कल यहाँ खूब चकाचक बधाई लुटाई जाएगी और बधाई गाई जाएगी, और बधाई आप लेके आओगे तो दई भी जाएगी, जिन्हें सोचियो केवल लेके जानो है, देके भी जानो है। भाई कहू के यहाँ जब जन्मदिन में जामे तो कचनो कचु गिफ्ट लेके जामे के नहीं जामे? तो कल कन्हैया को जन्मदिन है तो कन्हैया के जन्मदिन में गिफ्ट देना है, और वो आपकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा को मतलब कि भगवान चाहे कि आप पे जो बन पड़े आप अपना समर्पण करो। तो कल आप अधिक से अधिक पधारियो परम धाम गौशाला। आपको पता हो पूज गुरुदेव भगवान के द्वारा खाते गांव में संचालित परम धाम गौशाला इस समय सेवा आप सबके सहयोग से चल रही है। तो बन पड़े तो कल कन्हैया को जन्म है तो अपनी बधाई स्वरूप में अवश्य वहाँ प्रदान कर दियो, जाते गैया मैया की सेवा आपके धन से है सके, गैया मैया की सेवा आपके धन से जो चल रही है और बढ़िया तरीके से चल सके, ये आप सबको कल सहयोग करना है। बधाई स्वरूप में मक्खन मिश्री भी ला सको, टॉफी चॉकलेट भी ला सको, बाकी विशेष करके गैया मैया की सेवा करनी है, ये ध्यान रखना है। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक कथा भी रखी है, जही लिए कि आप लोग वहां जाके देख भी सको कि जो हम लोग कहां थे धन दे रहे हैं गैया मैया के नाम से, तो गुरु जी कहीं ठक्के तो नहीं ले जा रहे? तो वहाँ आए के आप देखो अपने नेत्र से, और है सके तो वहाँ गैया मैया की सेवा भी करो, गोबर भी उठाओ, कथा भी सुनो, और गैया मैया को खूब नहलाओ सहलाओ, तो जाको पुण्य भी मिलेगा आपको। ये हम आप सबको सौभाग्य है। तीर्थ क्षेत्र जहाँ 33 कोटि देवता विराजमान रहते वो गैया मैया का केवल एक शरीर है, बाकी और किसी देवता के अंदर इतने देवता विराजमान नहीं रहते, तो वहाँ पे तो साक्षात तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, सारे तीर्थ गैया मैया के वहाँ पर धाम में बन के आ गए खाते गांव में। तो आप वहाँ पधारो, गैया मैया की सेवा भी करो, अपने नेत्र से देखो कि माँ गुरु जी जो कह रहे हैं वो सेवा हो रही है कि नहीं हो रही, और बन पड़े अपना सहयोग भी करते रहो। और हरिद्वार में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक दिव्य भागवत कथा का आयोजन है, तो पोस्टर भी होल्डिंग्स लगे हैं, आप किसी को यदि जानकारी अधिक चाहिए तो होल्डिंग्स पढ़ सकते हैं।
या अपना नाम रजिस्टर से कराना है तो मेन गेट पे काउंटर लगाए या आप मंच पर भी आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं। यदि केवल कथा श्रवण करने आप जाना चाहते हैं हरिद्वार तो केवल 2500 रुपए की सेवा रखी है, जिसमें रहने के लिए आपको रूम दिया जाएगा, दोनों टाइम भोजन चाय नाश्ता सारी सुविधाएं रहेंगी। और अगर जोड़े से रहना चाहते हैं तो 5100 रुपए रहेंगे। यदि अपने पितर मोक्ष हेतु अथवा किसी कामना के लिए पोथी रखवाना चाहते हैं ब्राह्मण के द्वारा तो उसकी दक्षिणा 25000 रुपए रखी गई है। उस सब में यदि यजमान बनते हैं तो आपके लिए 51000 रुपए की, या भोजन प्रसाद या भंडारे में सेवा करना चाहते हैं तो 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सेवा कर सकती है। क्योंकि हरिद्वार में जहाँ पर ये कथा होगी, भव्य कथा होगी, भूपत बाला में स्वामी नारायण मंदिर में कोई छोटा मोटा हॉल नहीं है, जिसमें लगभग 500-600 तो कमरे ही कमरे हैं। आपको ठहरने की बढ़िया व्यवस्था, कथा सुनने के लिए 2500-3000 लोग बैठ सके, ऐसा सुंदर हॉल भी है, एसी हॉल। तो आपको इतनी सुंदर व्यवस्था में वहाँ भगवान की कृपा से गंगा मैया के किनारे बैठ के कथा सुनने को ये फल प्राप्त होगा। तो जहाँ पे बन पड़े अपन चल दो, यही उम्र है। अब जो कछु है रो यही उम्र में कर लो, फिर नहीं पता ठाकुर जी कृपा करे कि नहीं करे। या वर्ष कृपा है रही है, गंगा मैया की गोदी में बैठ के कथा सुनने को अवसर प्राप्त है रो तो चूको मत, जाको चलो अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराओ। और कोई ज्यादा बड़ी सेवा भी नहीं रखी है तो जो पे बन पड़े अपना नाम आज से ही अंकित कराओ। 4 दिन शेष रह गए, आओ आप सभी। और आपसे निवेदन है जो आप कथा यहाँ श्रवण कर रहे हैं तो अपने घर बैठे भी आप ये कथा श्रवण कर सकते हैं। पूज गुरुदेव भगवान का फेसबुक पर पेज है आत्मरस के नाम से, और यूट्यूब पे भी पेज है, वो यहाँ जाकर आराम से आप लिखा है सामने AAATMRAS आत्मरस, आत्मरस जैसे ही आप डालोगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो पूज गुरुदेव भगवान का पेज निकल के आएगा, चैनल निकल के आएगा। वहां पर जाकर आप घर बैठे इस कथा का आनंद भी ले सकते हैं। डेली कथाएं पूज गुरुदेव भगवान की लाइव भी चलती हैं हर जगह से, तो आप घर बैठे इसका आनंद ले सकते हो। आपके लिए सुंदर ये व्यवस्था की है कि आप कथा में नहीं आ पा रहे हो, अनेक जगह कथा रहती है यहाँ के बाद में आप पिपलिया नानाकर में है तो वहां नहीं पहुंच पाओ, तो घर बैठे भी ये कथा लाइव चलेगी पिपलिया से, तो घर बैठे भी आप वो कथा का आनंद ले सकते फेसबुक पर। और आत्मवाणी अमृतवाणी चैनल पे भी ये कथा चलती है, आपके यहाँ डीजना चैनल होगा 605 नंबर, उस पे भी रात्रि में 8 बजे से चलती है, आप घर बैठे उसका भी आनंद ले सकते हैं डीजना चैनल पे अमृतवाणी। तो ये कथा आपको पूर्ण तैसे आप श्रवण कर सकते हो, देख सकते हो। और कल यहाँ रंग पंचमी है तो भैया वृंदावन हम लोग भैया खड़े हो जाए, यदि आपको परेशानी रही हो जो कि रंग लाला लगो बातन में लगावे तो भैया क्या करूं, ब्रजवासी हूँ, थोड़ा सा मन बन जाएगा गुरु जी की कृपा है मुंह पे तो थोड़ा सा मैं भी आपको बातचीत कर लो। तो कल यहाँ पर रंग पंचमी का भी उत्सव मनाएंगे हम आप सभी। तो वृंदावन तो भैया पूछो मत, अभी मैं गयो गुरु जी के आशीर्वाद से 2 दिन वृंदावन रह के आयो, भयंकर होली हो वृंदावन में तो, क्योंकि जग होली ब्रज होला ऐसा देश निगोड़ा, वृंदावन की सी होरी तो को पूरे भारत में नहीं हो। तो कल यहाँ वृंदावन की सी होरी होगी ऐसा आप सब मन में विश्वास करके आएंगे, खूब चकाचक यार रंग से नहीं फूलों से होली खेलेंगे हम आप सभी गोपी बनकर, भगवान बाल कृष्ण लाल के उत्सव में भी सम्मिलित होंगे और होली में भी सम्मिलित होंगे। अभी आप सभी खड़े हो जाएंगे और कृपया आप सबसे निवेदन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। और सामने सुंदर सजीव झांकी लगी है, आप सभी को समय दिया जाएगा। और अभी आप आरती से पूर्व प्रणाम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आरती के बाद भी आप आकर प्रणाम कर सकते हैं। और विशेष करके आप अपने आभूषण मोबाइल फोन या चेन कानों की टोकस वगैरह ये संभाल के रखें भैया, कीमती चीजों का विशेष ध्यान रखें, आपको कोई नुकसान ना हो कथा श्रवण करते समय या जाते समय या प्रसाद लेते समय आरती लेते समय। आइए हम सभी भगवत कृपा से हमारे बीच में जो अतिथि पधारे आप सभी का स्वागत है। जिन जिन लोगों का श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए पूज पुला रहे हैं वे अति शीघ्र पधारने कृपा करें। पीपल कटा से पधारे हमारे श्री मुकेश जी विष्णु साहब आकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करेंगे। पंडित श्री संजय जी तिवारी जी भी पधारे, श्री अशोक जी सराफ जी जो पधारे ये भी आए, दीपक जी सोनी साहब ये भी आए, सिद्धि पटेल साहब एड़ा बेड़ा से जो पधारे ये भी आए, नारायण जी विष्णु साहब ये भी आए, लोकेश जी राव मराठा साहब ये भी पधारे, पंडित श्री गौरी शंकर जी तिवारी जी पधारे ये भी आए, समाज सेविका सावित्री बहन जी ये भी आए, उषा जी गोयल जी बहन जी ये भी पधारे, श्री जानी जी रोलगांव से पधारे ये भी आए,
श्री पंडित सुशील जी जोशी साहब ये भी पधारे, श्री विनोद जी विष्णु साहब ये भी पधारे, कैलाश जी चतुर्वेदी जी ये भी पधारे, राजकुमार जी अग्रवाल जी ये भी पधारे। सभी भक्तों का जिन जिन लोगों को नाम लिया है आकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद आप नीचे उतरने की कृपा करें। जो लोग भी आरती के बाद पूजन करना चाहते हैं तो आरती के बाद आप लोग पूजन करेंगे। सभी लोग इंद्रलोक कॉलोनी से जो महिला मंडल पधारा है वे भी आकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करेंगे। सभी भक्तजन पास पास में आ जाइए, भगवान जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है। ओम ज्वालामालिनी नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष विश्वाणी समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायुक्ष प्राणिश मुखाद् अग्निरजायत। भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये प्रेतियों और पाप पंथ से मुक्ति दिलाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये प्रेतियों और पाप पंथ से मुक्ति दिलाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये धुंधकारी से जगत को भी, 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 नव जीवन देने वास्ते, पापियों को पाप से तारती। भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भरपूर गौरव धर्म बतार, संसार सारम सुविधार, सराव संतम प्यार विंदे, भवम भवानी चैतन्य मारे। हार माला कलितालिकाए, कपाल माला चित्त
शेखराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जलिले शिद्रीकरणं देवाभिवंदनं आत्माभिवंदनं आशीषोद्धरणं नीरांजनिं ग्रहणं मंत्रपुष्पांजलिं हरि ओम यजनेन यजनमय जंतदेवास तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदया हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदया हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी